बच्चों डाउट है फिर? सर जो कल टेस्ट में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 18, वो HBR वाला ऑप्शन हम लोग वो किए टिक किए तो वो रॉन्ग हो गया। बल्कि आप तो यही बताए थे ना कि SOBR2 स्टेबल नहीं है, मतलब अनस्टेबल है। और कोई क्वेश्चन? पेपर में तो सारे चैलेंज लोग रिजेक्टेड हैं, कोई भी एक्सेप्टेड नहीं था। हाँ सारे रिजेक्टेड है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। मेरा क्वेश्चन पेपर, इसमें कौन सा क्वेश्चन रह गया? जो बोलो बच्चों, एक कौन सा बोला था? 20 सर क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, कौन सा क्वेश्चन था आपका? सर क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 18 ये वाला देखो बेटा, इसमें था ना उस समय जो चीज है, आपने जो क्वेश्चन पूछा मैंने ध्यान नहीं दिया शायद, इसका जो मेन कंसर्न आता है वो यहां से आता है। देखिए एक्चुअली इसने पूछा तो बेस्ट रिएजेंट कौन है, और तक तो सभी देंगे लेकिन बेस्ट कौन है, बेस्ट चूज करना है हमको, ठीक है ना? तो बेस्ट जो होता है वो शायद मैंने लिखा था डार्जन्स प्रोसेस होता है, रीजन है इसमें जो होते हैं, हालांकि अनस्टेबल है बट फिर भी यहाँ SOCl2 होता ज्यादा बेटर हम आंसर लिखते, ठीक है? देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं, बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं अगर याद हो आपको, तो SO2 बनता है और HCl बनता है, ठीक है? SO2 और HCl बनता है बाई प्रोडक्ट, राइट? और ये दोनों गैस, सॉरी HCl भी गैस होता है, SO2 भी गैस होता है, तो जो बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस हैं, और क्योंकि गैस बाई प्रोडक्ट बनते हैं वो गैस हैं इसलिए ये उनको सेपरेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ये बेस्ट मेथड होता है। ये गैस बन के उड़ जाएगा, ये भी गैस बन के उड़ जाएगा, ठीक है? इसलिए रीजन है ये। हालांकि यहाँ पे ऐसा क्योंकि सब में ब्रोमिनेशन करना, देखो सब में ब्रोमिनेशन ही करना है तो ब्रोमिनेशन ही कंपेयर कर देते हैं, ठीक है? और ब्रोमिनेशन कंपेयर करने के लिए कहते हैं बेस्ट मेथड, बेस्ट रिएजेंट पूछा है। प्रोडक्ट सब में बनेगा, इसमें भी बनेगा, इसमें भी बनेगा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट के सेपरेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए आंसर मैंने दिया था। शायद जो क्लास में डिस्कशन हो रहा था तो उसमें शायद मैंने उसमें बोला था कि नहीं इसका आंसर HBR होना चाहिए, लेकिन उस समय हम देख रहे, मैं ध्यान में ये नहीं था कि बेस्ट रिएजेंट पूछा है। बेस्ट रिएजेंट मतलब कन्वर्जन कैसे होगा, तो ये SO2 और SCl के गैस होने के कारण का सेपरेशन इशू नहीं आएगा, इसलिए हमारा आंसर यही होना चाहिए, ठीक है बच्चों?
नो ऑनवर्ड्स को नोट कर लें, अपडेट करें नोट्स में, बल्कि नोट्स में लिखा हुआ है चीज़ कि बेस्ट मेथड होता है डाइजेंस प्रोसेस। अगला क्वेश्चन सर, कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है? कोलिन्स रिएजेंट तो लिस्ट आपको दी बेटा ना, एक मिनट देखो, क्योंकि बच्चों ये एक लिस्ट आपको दी थी ना, है ना, हाँ इसमें सर, सारे रिएजेंट मैंने मेंशन किए थे, ये देखिए जॉन्स रिएजेंट क्या है, ये कॉलिंस कलर भी चेंज किया, कॉलिंस रिएजेंट क्या है ना, इवन डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड जनरली सॉल्वेंट यूज करते हैं, लेकिन ये भी डीएमएसओ भी 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है और 2 डिग्री को कीटोन में कन्वर्ट करता है, ये भी डिस्कशन है। तो कुछ रिएजेंट की लिस्ट दी थी, इसको एक बार देख लीजिएगा, यहीं पे हमने आपको एक चीज एक्सप्लेन भी की थी, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट, है ना, कि टर्शरी अल्कोहल को ऑक्साइज करने के लिए सिग्मा ट्रोपिक अरेंजमेंट कहीं लिखा हुआ था, काफी लोगों ने पूछा था, मैं डिस्कस किया सिग्मा ट्रोपिक क्या होता है, ये देखिए ये ठीक है। तो अगर आपको तो ये चीज आपको रिएजेंट कुछ याद करने के लिए यहां से कर दो ज्यादा बेटर होता बच्चा, ठीक है, ये डीएमएसओ पीसीसी पीडीसी एनबीएस, ठीक है, एनबीएस याद करिए, वैसे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करता है लेकिन 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में 2 डिग्री कीटोन में कन्वर्ट करता है, डीएमएसओ एक सॉल्वेंट है पोलर अप्रोटिक बट ये काम भी कर सकता है, कोलिंस रिएजेंट बताया हुआ है, सीआरओ थ्री पिरिडीन है यह, और सीआरओ थ्री और पिरिडीन के मिक्सर को क्या बोलते हैं, कोलिंस रिएजेंट बोलते हैं, डबल बॉन्ड को सेफ रखते हुए वही करता है 1 डिग्री और 2 डिग्री को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है, ये लिस्ट अपनी कॉपी में बना लीजिएगा प्रॉपरली। और कोई डाउट बच्चों, सर आपने क्वेश्चन में क्वेश्चन किया हो, 28 का क्वेश्चन में 28 का ऑप्शन बी एक बार समझाइए ना। 28 का ऑप्शन बी देखो बच्चा क्या बोला है ना, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में अगर एसिडिटी ऑर्डर देखें तो ये प्राइमरी अल्कोहल मोर एसिडिक होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की एसिडिटी ज्यादा होती है सेकेंडरी से, सेकेंडरी की एसिडिटी ज्यादा होती है टर्शियरी से, ठीक है ना। अब कहता है ग्रेटर दी, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है, देखिए ये हम एसिडिक ऑर्डर लिख रहे बच्चों, एसिडिटी का ऑर्डर, ठीक है, अच्छे से चलता नहीं है यार ये, मैं स्क्रीन शेयर थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बच्चों फिर से, आपने अपने ऑर्निंग के प्रॉब्लम्स लेके आइए सभी लोग, ठीक है, शुरू का हाफ एन आवर प्रॉब्लम ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब ऑर्निंग में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन मान के चलिए फाइनल चैप्टर है, इसके बाद इसमें कुछ बचेगा नहीं, वो भी बहुत फास्ट होगा, ठीक है, मैं न्यू शेयर में जा रहा हूँ और इसमें मैं शेयर कर रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, अब यहाँ सही लिख सकता हूँ, देखो उधर क्वेश्चन दिख रहा है 28 बेटा आपको, यस सर, इसमें पूछा है कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, ठीक है, ये ल्यूकास रिएजेंट यूज टू मेक प्राइमरी सेकेंडरी डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, ठीक है ना, दिस डू नॉट शो बोलना है, डू नॉट, है ना, तो अल्कोहल बीएफ एस बेस, बिल्कुल सही, अल्कोहल का बेसिक करेक्टर तो है ही नहीं, सिंपली रिएक्शन है ना, अल्कोहल पे क्या होता है अगर याद होगा तो ल्यूकास रिएजेंट में ROH होता है, बाद में इस पे क्या होता है, H+ ऑन अटैक करता है, तो अगर ये एसिडिक है ये बेस, तो ये बेस का तो काम करता ही है, क्योंकि बेस का काम करता है, ये तो सही है, उसने बोला कि कौन सा सही नहीं है ये बताना है ना, तो एक कहानी होगी। फिर आगे देखिए ऑप्शन बी आपने बोला ग्रेटर दी वैल्यू, तो मैंने भी इसमें बताया था आपको कि प्राइमरी अल्कोहल फास्ट, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल ले लें,
हमको पता ल्यूकास रीजन में ये स्लो रिएक्ट करता है ना, ल्यूकास में ये फास्ट रिएक्ट करता है। लेकिन जब एसिडिटी की बात करते हैं, एसिडिटी तो बच्चों एसिडिटी जो है वो प्राइमरी की ज्यादा है, सेकेंडरी की कम है, टर्शियरी की और कम। बेटा ये उल्टा बोल दिया, यहाँ अगर हम बताएं ल्यूकास की बात करें तो ल्यूकास में क्या होता है, ये उल्टा ऑर्डर होता है, ऐसा ही ठीक है। ये फास्ट रिएक्ट करता है ल्यूकास में, टर्शियरी अल्कोहल तुरंत प्रेसिपिटेट देता है। ध्यान दीजिएगा ल्यूकास में क्या होता है, जैसे ही आप रीजन मिलाते हैं वाइट ट्वेंटी टर्शियरी अल्कोहल तुरंत देता है, प्राइमरी अल्कोहल पांच मिनट सॉरी सेकेंडरी अल्कोहल पांच मिनट बाद देता है और टर्शियरी अल्कोहल लंबे समय तक नहीं देता है ठीक है। अब मुझे बताइए ये फास्ट रिएक्शन देता है, हमको समझ में आ गई, फास्ट देता है टर्शियरी अल्कोहल, लेकिन इसका एसिडिक करेक्टर लीस्ट होता है। एसिडिक करेक्टर लीस्ट होता है तो क्या बोलते हैं, अगर के की बात करें के तो के ज्यादा ऐसा होगा तो पीके क्या होगा, जिसका के ज्यादा उसका पीके कम होगा, पीके ऐसा ऑर्डर हो जाएगा। तब अब आप स्टेटमेंट बी पढ़ लो, स्टेटमेंट बी जो बोलता है वो यही बोलता है द ग्रेटर द के ग्रेटर द रिएक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेट एसटीएल, मतलब जितना के जितना पीके ज्यादा होगा उतना वो फास्ट रिएक्ट करेगा। तो वही आ रहा है जिसका पीके ज्यादा होगा वो फास्ट रिएक्ट करेगा, टर्शियरी अल्कोहल का पीके ज्यादा है, टर्शियरी अल्कोहल का पीके ज्यादा है तो फास्ट रिएक्ट कर रहा है। अभी समझ में आ गई बात, आखिरी स्टेटमेंट और सेकेंड वाला। यस सर। तो फास्ट रिएक्ट कर रहा है क्यों, के कम है, के कम एसिडिक है, के कम है लेकिन पीके ज्यादा है। आगे बोले और कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर का और कोई क्वेश्चन जो आप डिस्कस करना चाहें? सर 27 27 ओके एक मिनट बच्चा, ये रहा 27 नंबर क्वेश्चन। देखो सर इसमें सबसे पहली बात ही ये कार्बन नंबर 2 है, ये 2 है, ये 5 है और यहाँ तीन ग्रुप लगे हैं, इधर से प्लस आई तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैलिटी ज्यादा बढ़ गई, ज्यादा बेसिक हो गया होगा, मोर इलेक्ट्रॉन मोर बेसिक हो गया है। इसमें देखा जाए तो दो ही ग्रुप लगे, एक ग्रुप इधर से लगा, एक ग्रुप इधर से लगा है। नंबर ऑफ वैसे थ्री डिग्री कार्बन में प्लस आई ज्यादा होगा, ज्यादा प्लस आई कारण मोर बेसिक, जबकि ये क्या है दो ग्रुप इधर पुश कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की वैलिटी बढ़ी लेकिन रिलेटिवली कम बढ़ी है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है ये वाला मोर बेसिक होगा, मोर बेसिक राइट। तो ये मोर बेसिक बच्चों, कौन सा नंबर 2 वाला मोर बेसिक है, तो जो पूछा है OH at C2 is more basic than OH at C5, ये बिल्कुल सही है, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा। जो ज्यादा बेसिक है वो एसिडिक कम होगा, ये एसिडिक बोल दिया, C2 ज्यादा बेसिक और एसिडिक कम होगी, गलत हो गया। बोथ हैव सेम स्ट्रेंथ की भी गलत हो गया, बोथ हैव सेम एसिडिक स्ट्रेंथ, ना सेम तो नहीं है, अलग अलग है, तो इन दोनों में से कोई करेक्ट होगा, और C2 ज्यादा बेसिक है तो ऑब्वियसली C2 एसिडिक कम होगा, ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन, इट इज ऑप्शन ए। और कोई सर 24 वन मिनट 24 ओके 24 ये क्वेश्चन है, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन देखिए बच्चों 24 जो है ये क्वेश्चन है, ये वाला, इसमें बोला है कि एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, 1-methyl, पहले इसको बनाते हैं, 1-methyl 2-epoxy साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन पहले बनाओ, कंपाउंड ये रहा, ये साइक्लोपेंटेन, इसमें 1 पे मिथाइल लगा हुआ है, 1-methyl, नंबर 1 पे मिथाइल है,
और वन और टू पे क्या लगा, इपॉक्सी लगा दो, वन और टू पे इपॉक्सी ग्रुप लगा दो, वन टू के बीच में इपॉक्सी, इपॉक्सी मतलब ये होता है ईथर, ये हो गया, ये हो गया वन मिथाइल, ओके, वन टू इपॉक्सी एंड साइक्लोपेंटेन, ये कंपाउंड हो गया अपने पास। और अब बोलता है कि इस कंपाउंड की रिएक्शन हम कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम मिथॉक्साइड एंड मेथेनॉल। तो बच्चों देखिए जरा, सोडियम मिथॉक्साइड से रिएक्शन करोगे CH3O- और CH3OH, ध्यान रखो, अगर बच्चों यहां सिर्फ CH3OH होता, सिर्फ ये होता, तो बोलते ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और SN1 होता, SN1 होता, लेकिन हुआ क्या है, इसके साथ हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लिया, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये SN1 को सप्रेस करते हुए SN2 को फॉलो कराता है, तो रिएक्शन SN2 होगी। और जब रिएक्शन SN2 होने जा रही है, ठीक है, जब रिएक्शन SN2 होगी तो बताइए न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, जहां हिंड्रेंस कम है कि ज्यादा है, तो कहते हैं ये बॉन्ड, यही ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला, सॉरी, ये अटैक इसी पे होगा, इन दोनों पे ही होगा, तो या तो बॉन्ड इधर से टूटेगा या तो इधर से टूटेगा, मतलब या तो फर्स्ट के हिसाब से टूटेगा या तो रोमन सेकंड के हिसाब से टूटेगा, लेकिन ये अटैक करेगा लेस हिंड्रेंस वाले पे, तो लेस हिंड्रेंस कहां पे है, तो अगर आप देखें बच्चों तो लेस हिंड्रेंस की कहानी यहां आती है, देखिए ये हिंड्रेंस कम नंबर टू पे है, तो यहां पे अटैक करेगा टू पे और ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, ये प्रोडक्ट हमारा कुछ ऐसा होगा, देखिए जरा लाइक दिस, ये बॉन्ड टूटा तो ओ माइनस इधर चला गया, ठीक है, और यहाँ पे इसने अटैक कर दिया, OCH3 ने अटैक किया जहाँ हिंड्रेंस कम था, OCH3 ने वहां अटैक किया जहाँ हिंड्रेंस कम था, क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, बाद में प्रोटीनेशन, तो यहाँ H आ जाएगा, देखिए ये आंसर होगा ये वाला, अगर ये OCH3 नहीं होता तो SN1 होता, लेकिन OCH3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फटाफट अटैक करेगा, SN2 कराएगा, SN2 पास रिएक्शन ले जाएगा, तो हमें SN2 में OCH3 वहां अटैक जहाँ हिंड्रेंस कम है, और हिंड्रेंस कम पे अटैक किया है सिर्फ, हमें लगता है ऑप्शन बी में, कम हिंड्रेंस पे अटैक किया है, ये दोनों तो सेम है ना शायद, बी और सी तो हमें लग रहा सेम हो गए, OCH3 और OH, ठीक है, यहाँ CH3 है वहीं OH आएगा, यहाँ CH3 है यहीं, ये दोनों तो सेम ऑप्शन है, जहाँ CH3 है वहीं OH आएगा, तो यही दोनों करेक्ट होंगे, बी और सी, SN2 रिएक्शन होगी तो वहां अटैक होगा जहाँ हिंड्रेंस कम है, ठीक है, तो ये दोनों ही सेम ऑप्शन है, आई थिंक सो, मैंने देखा नहीं दोनों सेम है, ये दोनों होने चाहिए, ठीक है, दोनों एकदम एक जैसे ही बने हुए, बल्कि इसमें बोला है एक मिनट, आई थिंक सो ये बोलना चाह रहा है एंटी अटैक, एंटी तो नहीं होगा, ठीक है, OH अगर पीछे से आएगा मतलब, तो ये OH, हाँ ये जरूर होगा, क्योंकि ये थ्री मेंबर रिंग बन गई है, तो ये अगर आगे से अटैक करे तो OH ग्रुप पीछे निकल जाएगा, तो मुझे लगता है इन दोनों में से करेक्ट होगा, बी और सी दोनों ही करेक्ट है, अभी क्योंकि आपको मैंने वेज इंडेक्स कुछ बना होता तो आंसर देते, ऐसे लाइन में आंसर नहीं दे पाओगे आप, ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट होंगे, बी बी और सी बी, राइट, दोनों आइडेंटिकल ऑप्शन। और कोई क्वेश्चन बच्चों, और कोई क्वेश्चन किसी का, बोलो भाई, सब न जाने कुछ करना है, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों तक, कोई तो बोलो, आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं, हाँ बोलिए सर, 23 में ऑप्शन ए क्यों गलत है, 23 में ऑप्शन ए क्यों गलत, लेट मी सी फर्स्ट 23, अच्छा ये ग्लिसरॉल वाला है बेटा, ग्लिसरॉल देखो, एक सेकंड, ये तीन क्वेश्चंस हैं ना, अगर हम 23 की बात करते हैं तो ग्लिसरॉल बोला है, ग्लिसरॉल हम भी जानते हैं ऐसा होता है, ये तीन कार्बन हो गए, इसमें OH है, इसमें यहाँ OH है, इसमें यहाँ OH है, ठीक है, तीनों में OH दिए हुए हैं, अभी क्या है, जैसे ही आप रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड 110 पे कराओगे, हमको पता है ऑक्सैलिक एसिड जब 110 पे रिएक्ट करता है तो एक ही साइड से रिएक्ट करता है, एच ओ
CO और एक साइड से रिएक्ट नहीं करता, ये आपको मैंने कराया था 110 पे और एक हाई टेम्परेचर पे। तो जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से वाटर निकाल दो, इसका एच इसका OH निकल जाएगा, वाटर एस्टर पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो जब हाँ तो ये पहले एस्टर बनेगा, सॉरी क्या बना दिया, तीन कार्बन है, तीनों में से एच जाएगा तो ये रिएक्शन ड्यू टू एच होता है एसिडिक एच, सीओ और COH, बाद में हीट करोगे तो यहां से वाटर निकल जाएगा, है ना सर, CO2 निकलेगा, CO2 निकलेगा तो आप जानते हो क्या बनेगा, है ना। और बाद में वाटर से रिएक्ट कराओगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ अंडरस्टूड है, तो ऐसे निकल जाओगे तो ये क्या, ये फॉर्मिक एसिड बन के आ जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा साथ में आपको ग्लिसरॉल वापस हो गया। तो 110 पे ऐसा होता है, जबकि यही रिएक्शन अगर 200 या 260 के बीच में हो रही होती तो ये दोनों साइड से, ये वाला भी यहाँ से भी वाटर निकलता, फिर एक CO2 निकलता, वो एलाइल अल्कोहल, तो एलाइल अल्कोहल बनता कब, 220 पे, 200 से 220 पे बनता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा, ठीक है बेटा। इसका आंसर होगा फॉर्मिक एसिड, क्योंकि दो टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है, लो टेम्परेचर पर बनता है फॉर्मिक एसिड वापस, फॉर्मिक एसिड बनता है ग्लिसरॉल वापस बनता है, और हाई टेम्परेचर पे एलाइल अल्कोहल बनता है, इसलिए गलत। यहाँ पे एक चीज इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 21 भी कॉपी किया, ग्लाइकॉल, ग्लाइकॉल ये होता है बच्चों CH2 यहाँ पे OH, मतलब ग्लिसरॉल का एक पहले वाला होमोलॉग, ग्लिसरॉल में तीन कार्बन तीन OH, इसमें दो कार्बन दो OH, इसको कई बार हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल ही बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब आप कोई सोच सकते हो दोनों में क्या होगा, पहले आई आएगा, आई आने का हटेगा सीधे एथीन बनेगा, इसमें एथीन बनेगा और एथीन मतलब ये एथिलीन, आंसर ही करेक्ट हो गया। और कोई क्वेश्चन, देख लो बच्चों आधे घंटे डाउट ही हम लोगों ने हर दिन रखना है, तो आज हमने इसीलिए कहा कि यहां से शुरुआत करते हैं, हर दिन आप लोग क्वेश्चन लेके आइए, कोई भी क्वेश्चन लेके आइए, बल्कि मैं टेलीग्राम में एक ग्रुप बनाने जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन अपने पास रखिए, जैसे ही क्लास शुरू हो उस ग्रुप में शेयर करना शुरू कर दीजिए, उससे पहले जो शेयर करेंगे वो आप लोग आपस में डिस्कस करने के लिए करेंगे माना जाएगा, लेकिन क्लास डाउट क्लास दौरान जो उसमें डाउट आएंगे वो मैं यहाँ डिस्कस कर दूंगा, हाँ ठीक है, यहीं से वहीं से कॉपी पेस्ट करूंगा सीधे स्क्रीन पे, आपको क्वेश्चन दिखेगा सीधे यहीं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन MS चौहान से या फिर आपके इससे क्वेश्चन पेपर से, बोलो बच्चों। हाँ कोई भी चैप्टर का डाउट पूछिए जो आप चल रहा है ऑर्गेनिक में, क्या दिक्कत है क्वेश्चन तो। और अच्छा ये बताओ बच्चों ऑर्गेनिक में क्या लग रहा है कोई चैप्टर वाइज होता है, मुझे नहीं लग रहा कोई चैप्टर होता है, यहाँ पे जो आपने जीओसी में जीओसी आइसोमेरिज्म हाइड्रोकार्बन अल्काहलाइड अल्कोहल, अल्कोहल में भी आज वो कंसेप्ट यूज हो जाता है जो कहाँ था, जो हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, हमने वो कॉलम वाला क्वेश्चन दिया था, वो कॉलम वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर क्या था, एक कॉलम वाला क्वेश्चन देखेंगे तो शायद आई थिंक क्वेश्चन नंबर था ये 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 था ये, ठीक है ना, 30 में अगर आप देखते हैं तो मैं शेयर कर देता हूँ 30 में, ये देखिए। इसलिए ऑर्गेनिक में अब तो आपको समझ आना चाहिए कि चैप्टर बोलना बेमानी है कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, अब तो लगभग धीरे धीरे बेमानी होती जा रही है, आप लोग भी समझना शुरू कर दिए होंगे, है ना। देखिए जरा ये वाला, ये क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, ये पूछा था क्वेश्चन नंबर 30 था, हाँ इस रिएक्शन में रिएजेंट आर क्या होना चाहिए कि हमको ये मिल जाए, तो हम जानते हैं ये एल्कीन पे पानी ऐड हो रहा है, सारे ऑप्शन में एल्कीन पे पानी ऐड हो रहा है ना, कभी मार्कोनिक ऑफ रूल, कभी एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, एटसेट्रा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कब क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बताया गया है, तो अगर आप देखें तो एल्कीन की रिएक्शन, ये एल्कीन में रिएक्शन में पढ़ा था, अल्कोहल की प्रिपरेशन में आ गया वो सब चीज, ठीक है। इसलिए आप कोई चैप्टर का डाउट पूछ सकते हैं ड्यूरिंग दिस फर्स्ट 30 मिनट्स, क्योंकि अभी अगर आपने डाउट क्लियर नहीं किए तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ऑर्गेनिक से, ठीक है।
तो देख लीजिए, अपने पास डाउट का टाइम खत्म होने वाला है, फिर हम लोग सीधे सीधे बोर्ड स्टडी करेंगे, ठीक है? और किसी को कोई डाउट तो फटाफट बोलिए। तो टेलीग्राम में केमिस्ट्री का डाउट ग्रुप बना ही देते हैं, अभी लिंक आप लोगों के बैच में डालते हैं, सभी लोग ज्वाइन करिए, अच्छा रहेगा। और सिर्फ डाउट ग्रुप रहेगा, उसमें कोई कुछ और फालतू चीज नहीं लिखेगा, ओनली सिर्फ डाउट, एक दूसरे का डाउट बता सकते हैं, पूछ सकते हैं आपस में, आपका कोई डाउट उसमें डाल दीजिए, कोई ना कोई आंसर जिसको आता है वो आंसर दे देगा, अदर देन क्लास कभी किसी को जो भी उसमें, मैं ही नहीं कि आपके बैच में सारे केमिस्ट पूरे जो इतने 12th के स्टूडेंट हैं सारे बैच के, ठीक है, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ या CM सर पढ़ा, उनको ऐड कर दूंगा, नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना अपनी अपनी क्लास, हाँ तो मैं अपने बच्चों को सबको ऐड कर दूंगा, ठीक है, 12th केमिस्ट्री डाउट ग्रुप, ठीक है ना? FG बैच का क्लास ना, नया चैप्टर पढ़ाएंगे? हाँ नया चैप्टर पढ़ाएंगे सर, जी बैच में लिंक भेज रहे हैं। अच्छा एक चीज और क्लियर कर दें बच्चों कि डाउट क्लास जो है ना, भले ही मैंने 3 से 3:30 रखा, लेकिन अगर डाउट नहीं होगा तो हम लोग फिर 3 बजे से पढ़ाना शुरू कर देंगे, मतलब क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मैं सोची कि आधे घंटे वेट होगा, नो आप 3:30 से ज्वाइन करेंगे, कोई डाउट नहीं है तो, अगर किसी को डाउट नहीं होगा तो जैसी मतलब 3:10 3:15 जैसे ही डाउट खत्म हुआ उस दिन के अपन क्लास स्टार्ट कर देंगे। सो इसके लिए इस तरीके का दिमाग में मत रखिए कि नहीं ये तभी होगा जब डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है? तो अकॉर्डिंगली आप टाइम के हिसाब से मैनेज करें, ठीक है? मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयरिंग, सीधे चलते हैं अपन लोग। स्क्रीन पे कुछ है ऐसा वैसा करके आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, हमारे पास ही का ना, ना ऐसे ही कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम होगा, रुको ये कनेक्शन चेंज कर, एक बार कैमरा निकाल के फिर वापस लगाते हैं।
अभी ठीक है ना? हाँ सर, यस सर, ठीक है, चलिए। तो बच्चों आज स्क्रीन ब्लर नहीं है ना? नो सर, मैं भी देख रहा हूँ सर, ब्लर नहीं, बिल्कुल ब्लर नहीं। चलिए, एक्चुअली मैंने अपने पीसी से कैमरा के ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया, फिर वापस रीइंस्टॉल किया कैमरा ड्राइवर को, शायद कैमरा ड्राइवर का इशू था। उसके बाद प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी सॉल्व होती दिख रही है, अगर आज दोबारा क्रिएट नहीं हुई तो मान लेंगे सॉल्व हो गई, बट फिर भी नेटवर्क है, लेट अस सी। तो बच्चों हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसमें बात आ रही है सबसे पहले कि हमारा चैप्टर जो अल्कोहल खत्म हुआ है, अल्कोहल फिनोलेथिक चैप्टर था जो अभी पूरा पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कहा क्वेश्चन भी करिए, उसके डाउट भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इवन इस हफ्ते में अगर हम मान के चलिए दो चार क्लास होती हैं, तो आपकी जो दूसरे बैच की उसमें शुरू में आधे घंटे डाउट डिस्कस होते, तो काफी कुछ डाउट क्लियर हो जाने चाहिए चार, ठीक है ना। तो आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन करते रहिए, अपने डाउट पूछ लीजिए, अपने टाइम में क्लास में पूछ लीजिए, नहीं तो डाउट ग्रुप तो कॉमन है सारे बैच का, ठीक है, उसमें डाल दीजिए आज वो। और अभी मैंने आप व्हाट्सएप सबको कर दिया डाउट ग्रुप का, टेलीग्राम डाउट ग्रुप रहेगा। टेलीग्राम में डाउट ग्रुप का फायदा ये होता है कि अपन जो है वो व्हाट्सएप जैसा नहीं है कि फोटो खींचा और उसके बाद फिर अगर चार दिन बाद डिलीट हो जाए, नहीं, वो सर्वर पे रहता है, उसके बाद उसको भी रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं, अगला चैप्टर है कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा होता है बच्चों? कार्बोनिल ग्रुप ये होता है, इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है कार्बोनिल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है, ध्यान रखना। ये रेजोनेंस ऐसा होता है, सी ओ, ये रेजोनेंस में रहता है इसके साथ, यहां माइनस ही प्लस, ये रेजोनेंस में रहते हैं, बल्कि इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, एक इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन अगल बगल, तो इसी फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी ये दोनों रेजोनेंस में रहते हैं, अगर कभी इसकी भी रिएक्शन हो तो इसको इसी फॉर्म में ले जाकर रिएक्ट कराना है ना। इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका होता है। कंपाउंड दिया हुआ है, रिएक्शन कराने से पहले इसको आप पोलराइज कर लेंगे, कंपाउंड कुछ भी दिया हो, रिएक्शन कराने से पहले उसको हम लोग पोलराइज कर लेंगे, उसको हम आयनों इसमें ऐसा कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। दिस क्लियर, रिएक्शन कराने से पहले हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा देखो बच्चों, अभी क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। प्रिपरेशन तो हम मैक्सिमम जानते हैं, बहुत सारी प्रिपरेशन आप जानते हैं, हमने आपको पढ़ाई है, बहुत सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी प्रिपरेशन है ऐसी, है ना। सिर्फ दो या चार प्रिपरेशन आपको नहीं बताऊंगा आज, बाकी पुरानी रिकॉल कराऊंगा। तो पहले मैं पुरानी प्रिपरेशन रिकॉल कराऊंगा, नाम लिखूंगा, ध्यान रखना, उसके क्वेश्चन ये नहीं कि वो रिएक्शन पढ़ी उसके क्वेश्चन यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो शुरू में कुछ रिएक्शन के नाम लिखूंगा जीएमपीज में, फिर इसकी प्रॉपर्टीज में चलूंगा, ठीक है। तो पहले कुछ जीएमपी के नाम लिख लिए जाए, आइए। देखिए जीएमपी, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बच्चों जीएमपी वन देखते हैं। जीएमपी वन फ्रॉम अल्कोहल, अभी चैप्टर पूरा किया है, अल्कोहल से कैसे बनाते हैं, तुम्हें लगता शायद बताने की जरूरत नहीं है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करो, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन, डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन बताए, बहुत सारे रिएजेंट बताए, अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बन एल्डिहाइड कीटोन बन सकते हैं और एसिड भी बनता है। प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है और एसिड भी बन सकता है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन ही बनता है, टर्शियरी अल्कोहल से ऑक्सीडेशन होता नहीं है। तो पहला है फ्रॉम अल्कोहल, पार्ट ए, बाय ऑक्सीडेशन, और ये इसके लिए रेफर, इसके लिए अल्कोहल रेफर करें। दूसरा पार्ट बी, बाय डीहाइड्रोजनेशन,
बच्चों डिहाइड्रोजनेशन में आपने क्या सोचना है, डिहाइड्रोजनेशन में आपने सोचना होगा कॉपर के संग 300 डिग्री पे हीट करना था, या फिर कॉपर के संग 300 डिग्री या फिर निकल के संग 300 डिग्री, वो डिहाइड्रोजनेशन। प्राइमरी अल्कोहल से हाइड्रोजन निकलता है, सेकेंडरी से हाइड्रोजन निकलता है, टर्शियरी से वाटर निकलता है, एल्कीन बनता है। तो ये ऑक्सीडेशन और ये हमने अभी इन दोनों के लिए आप प्रेफर करें अल्कोहल, रेफर अल्कोहल लिख लो। अगर कुछ लगता नहीं रेफर हमको यहाँ करना चाहिए मैं यहाँ भी करा दूँ, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं इस पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैंने खाली रिएक्शन के नाम लिख दिए। ठीक है बच्चों, आइए जीएमपी टू ये रेफर कर लीजिएगा, जीएमपी टू। हाँ जीएमपी टू जो है इसमें आते हैं फ्रॉम एल्कीन। बच्चों एल्कीन में तो बहुत सारे तरीके हैं, एल्कीन में तो बहुत सारे रिएक्शन है। कैसे, एल्कीन ले लो, क्या कर दो इसका हाइड्रेशन कर दो, हाइड्रेशन। अच्छा सॉरी सॉरी एल्डिहाइड कीटोन बना रहे, मैं अल्कोहल बनाने लगा, आई एम सॉरी। एल्कीन से बना सकते हैं लेकिन तरीका हाइड्रेशन नहीं, मैं तो हाइड्रेशन वहां पहुंच गया, हाइड्रेशन HBO OMDM, लेकिन वो अल्कोहल बनाने के तरीके हम तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखिए कैसे होगा। इसमें हम लोग पहला देखें, एल्कीन में पहला तरीका है बाई ओजोनोलिसिस, बाई ओजोनोलिसिस। अगर आपको याद हो तो एल्कीन ले लो, पहले स्टेप में ओजोन से रिएक्शन कराओ, दूसरे स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कर दो, तो रिएक्शन एल्डिहाइड कीटोन पे रुकेगी, एसिड पे नहीं जाएगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में क्या हो, ओजोनोलिसिस ब्रैकेट में रिडक्टिव, रिडक्टिव रिडक्टिव में क्या बनेगा एल्डिहाइड कीटोन, ऑक्सीडेटिव में कीटोन तो कीटोन रहेगा लेकिन एल्डिहाइड एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है ये देख लीजिएगा। दूसरा परमैग्नेट पर आयोडेट क्लीवेज, पर आयोडेट क्लीवेज, पर मैग्नेट पर आयोडेट क्लीवेज, देखो जरा से आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ध्यान दो बच्चों। सबसे पहले इसकी रिएक्शन बेयर सीजन से करो, KNO4 से, वो डाइओल बना देगा, कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KNO4। और फिर इसकी रिएक्शन HIO4, याद करिए पर आयोडिक एसिड से डाइओल का क्लीवेज कैसे होता है HIO4। तो पहले इसमें पहले क्या होगा, KNO4 दोनों साइड OH जोड़ेगा, फिर HIO4 बॉन्ड को तोड़ेगा, तो याद करिए पर मैग्नेट पर आयोडिक क्लीवेज, ये भी एल्कीन में पढ़ा हुआ है। इन दोनों के लिए एल्कीन को रिफर करें, बहुत अच्छा रहेगा, समय दिया हमने वहां पे, ओजोनोलिसिस में भी समय काफी समय दिया और उसको भी रिफर किया। तो GMP2 है फ्रॉम एल्कीन। ठीक है बच्चों GMP3 फ्रॉम अल्काइन, GMP3 फ्रॉम अल्काइन। अब अल्काइन में कैसे होता देखिए जरा, देखो बच्चों अल्काइन में किस प्रकार से होता है, अल्काइन में कैसे ट्रीट करना है वो देखते हैं। ठीक है फ्रॉम अल्काइन इसमें ऐसा होता है कि अल्काइन दिया है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। बच्चों इसके संग वो तीन काम कर सकते हैं, कौन कौन से, हाइड्रेशन, अल्काइन का हाइड्रेशन कर लो, इसका हाइड्रेशन करो, अल्काइन का ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन करो, अल्काइन का HBO करो। बच्चों इसमें कोई भी काम करो याद करिए सारे रिएजेंट क्या करते हैं, ये सारे के सारे रिएजेंट वाटर जोड़ते हैं, वाटर, ये सारे के सारे रिएजेंट बच्चों वाटर जोड़ते हैं। अब बताओ अल्काइन में वाटर जुड़ेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, डबल बॉन्ड बचेगा, डबल बॉन्ड में वाटर जोड़ दो इनॉल फॉर्म बनेगा, और इनॉल को टॉटोमराइज करोगे तो कीटो में जाएगा ना, इनॉल को टॉटोमराइज करोगे कीटो में जाएगा। ठीक है ना, तो क्या ये समझ रहे हैं,
ये रिएक्शन वन, जीएमपी वन, जीएमपी टू, जीएमपी थ्री, ये एल्कीन में सब डिस्कस की, बल्कि जीएमपी देखो एक अपने आप में बहुत सारी रिएक्शन है, एक रिएक्शन, दो रिएक्शन, तीन रिएक्शन, चार रिएक्शन, है ना, पांच रिएक्शन, इसमें पांच छह सात, सात रिएक्शन एक साथ कवर कर दे, जीएमपी थ्री तक सात रिएक्शन कंप्लीट हो गए, देख लीजिए एक बार, नोट करें जीएमपी थ्री तक, फिर हम लोग जीएमपी फोर चलेंगे, और जीएमपी फोर थोड़ा डिफरेंट है, वहां से समझना शुरू करेंगे, मैं इसका फोटो ले लेता हूँ, जीएमपी फोर से हम लोग समझना शुरू करेंगे। हाँ बच्चों, मैंने फोटो खींच लिया है, ये प्रिपरेशन था, जीएमपीस थे किसके, एल्डिहाइड कीटोन बनाने के, आप बताइए इनमें कहीं कोई समस्या हो तो डिस्कस करिए, नहीं तो हम लोग जीएमपी फोर की तरफ चलते हैं, जो थोड़ा नया जीएमपी होगा, तीन ही पुराने थे, बल्कि एक और लिख सकते हैं जीएमपी फोर, पुराना एक और रिपीट कर देते हैं, देखो ना जीएमपी फोर, बाई लिखो, ये फालतू ही है, फिर भी मैं गिनाना इसलिए गिना रहा हूं, ठीक है ना, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाई और जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड, देखो बच्चों जेम डाई हैलाइड ऐसा है, आर सी एच सी एच टू, दो हेलोजन लगे हुए, आपने इसकी रिएक्शन हाइड्रोलिसिस की, मतलब एक्वस एनिवेट से क्या किसी से कर दिया, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, है ना, एक्वस NaOH, एक्वस KOH, मॉइस्ट Ag2O, मॉइस्ट Ag2O, एक्वस सोडियम कार्बोनेट, तो क्या होगा, आप देखेंगे उन दोनों में जब ये रिएक्शन करेगा तो ये जो X है, ये X, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो और एक कार्बन दो स्टेबल नहीं होते, तो आप देख सकते हैं यहां से भी एल्डिहाइड बनने के चांसेस, एल्डिहाइड कीटोन बन सकता है, आर आर सी एच टू, आर है, सिंगल आर, आर CH2, CH, और आप देखो यहां भी OH आ गया, यहां भी OH आ गया, यहां से वाटर हटा दो, ये देखिए वाटर हटा दीजिए, तो आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि ये तो अनस्टेबल होता है, तो R CH2 CHO बन गया कीटोन, एल्डिहाइड बन गया, तो हाइड्रोलिसिस है, जेम डाइहैलाइड होना चाहिए, ये नंबर वन पे होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, यही दोनों हैलोजन नंबर टू पे होंगे तो कीटोन बन जाएगा, इसी तरीके से कीटोन बना लेंगे, जेम जेमिनेंट डाइहेड्राइड को आप हाइड्रोलाइज कर दोगे तो ऐसे बन जाएगा। एक पुरानी रिएक्शन और रिकॉल करना चाहेंगे, जीएमपी फोर के जीएमपी फाइव, ये वो है जिनको जस्ट एक रिकॉल दे रहे हैं आपको, जीएमपी फाइव कार्बोनिलेशन, कार्बोनिलेशन और हाइड्रोफॉर्मुलेशन, सॉरी और ऑक्सो प्रोसेस बोलते हैं, ऑक्सो प्रोसेस या फिर इसी को नाम देते हैं हाइड्रोफॉर्मुलेशन, हाइड्रो ये एल्कीन की रिएक्शन है जो पहले बताई जा चुकी है, एल्कीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से कर दो, बताई जा चुकी है, इन प्रेजेंस ऑफ CuCl2, है ना, रिएक्शन कराओगे तो कहते हैं इस पे RCH, वैसे रिफर करते तो अच्छा रहता है एल्कीन, तो ऐसा बोलते हैं ये दोनों मिलके पहले क्या बनाते हैं, पहले ऐसा बनाते हैं CO और इसमें एक हाइड्रोजन एक इधर जुड़ेगा, हाइड्रोजन एक इधर जुड़ेगा, बाद में ये टूटेगा H प्लस और CHO माइनस का एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन कर दो, इसमें एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन वाला मेन प्रोडक्ट होगा H और CHO, देखिए इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ बोलेगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ, तो आंसर मिल जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं एक हाइड्रोजन अटैच हो गया, एक एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो गया, हाइड्रोजन
और एल्डिहाइड को फॉर्मल ग्रुप बोलते हैं, हाइड्रोजन और फॉर्मल, हाइड्रोफॉर्मुलेशन। इस रिएक्शन को हाइड्रोफॉर्मुलेशन बोला जाता है क्योंकि हाइड्रोजन और एक फॉर्मल ग्रुप जुड़ रहा है। ठीक है, ये दो, ये जीएमपी यहां तक हो गए, देख लें ये सब पुराने हैं जीएमपी 5 तक। दो मिनट का मौन रखें, फिर जीएमपी 5 से 6 से हम लोग नया जीएमपी शुरू करते हैं। फाइव तक के जीएमपी सब पुराने बच्चों, ठीक है। अगर कोई आपको याद नहीं आ रहा हो कि नहीं बताया मैंने तो बताइए, मैं रिकॉल करा दूंगा, लेकिन मैंने बताया ही उतना मुझे पता है। अगर आपको लग रहा हो कोई चीज रह गई डिस्कस नहीं हुई तो मैं कर दूंगा एक बार, बट ऐसा है नहीं, सब कुछ डिस्कस किया गया। ठीक है, आइए जीएमपी 5। अब जीएमपी 6 से नया शुरू हो रहा है बच्चों, जीएमपी 5 तक पुराना था पर जीएमपी 6 से नया शुरू हो रहा है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जीएमपी 6 से थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है ना, हल्का सा कैमरा पीछे करता हूं, हल्का सा। हाँ, तो जीएमपी 6 देखिए, ये नया बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है। हम वैसे मैंने बीच में बताया था कब, ग्लिसरॉल में एक तरीका, ग्लिसरॉल में मेथड बताया था ग्लिसरॉल बनाने का, बर्थलॉट मेथड। उस बर्थलॉट मेथड में बीच में यूज किया था ये, जो आज हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ग्लिसरॉल में एक बर्थलॉट मेथड था, वो एक यूज किया था बीच में हमने। ठीक है, देखिए जीएमपी 6 है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो बच्चों, ऑन हीटिंग अगर आप कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं आर सी ओ ओ टू द होल ट्वाइस सी ए कैल्शियम सॉल्ट, और जैसे इसको हीट करोगे क्या हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा आर सी ओ आर और सी ए सी ओ थ्री, सी ए सी ओ थ्री प्रेसिपिटेट बन के निकल जाएगा, ये प्रेसिपिटेट होगा और हमको ये कीटोन मिल जाएगा प्रेसिपिटेट, ये कीटोन आपको मिल गया। इसमें ऐसा बोलते हैं कि कैल्शियम सॉल्ट ऐसा होता है आर सी ओ ओ माइनस आर सी ओ ओ माइनस यहां पे और सी ए प्लस टू। जैसे आप हीट करते हो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एक सी एस प्रेसिपिटेट बन जाएगा, कैसे ऐसे निकलेगा सी एस सी ओ थ्री, देखिए ऐसे ये सी ए और कार्बन और ओ थ्री सी एस सी ओ थ्री निकल जाएगा, और ये देखिए आर सी ओ ये आर अटैच हो जाएंगे। हाँ, इधर आरसीओ से अटैच होगा तो हमको कीटोन मिल जाएगा, मतलब एसिड में जितने कार्बन थे कैल्शियम सॉल्ट में, एसिड में आर कार्बन थे, आर प्लस वन कार्बन थे, जितने एसिड में कार्बन थे लगभग उसके डबल हो जाते हैं, देख लीजिए मतलब एसिड जो भी एसिड है उसमें डबल कार्बन हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हीट करने पर होता है ये निकल जाएगा, प्रॉपरली नोट करें कि जब भी कभी कैल्शियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो ऐसा होगा। बच्चों कैल्शियम सॉल्ट के बजाय हम और भी सॉल्ट ले सकते हैं, बेरियम स्ट्रॉन्शियम थोरियम इनके सॉल्ट भी ले सकते हैं, डिट्टो यही टाइप की मैकेनिज्म ऑब्जर्व की गई। नोट नंबर वन देखिए, बेरियम स्ट्रॉन्शियम एंड थोरियम सॉल्ट कैन ऑल्सो बी टेकन, सॉल्ट कैन ऑल्सो बी टेकन, बेरियम स्ट्रॉन्शियम एंड थोरियम सॉल्ट कैन ऑल्सो बी टेकन। ठीक है बच्चों, बेरियम सॉल्ट मतलब जैसे कैल्शियम एसिटेट लिया आप बेरियम एसिटेट ले लो, बेरियम की जगह स्ट्रॉन्शियम एसिटेट ले लो, थोरियम एसिटेट, ये सब काम ऐसे ही करें, बट कैल्शियम सॉल्ट जो है वो फ्रीक्वेंटली लिया जाता है, कैल्शियम सॉल्ट बहुत ज्यादा लिया जाता है। ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट काफी लिया जाता है, काफी फ्रीक्वेंटली लिया जाता है, राइट। सो इस प्रकार से बेरियम स्ट्रॉन्शियम थोरियम सॉल्ट कैन बी टेकन, ठीक है, कैन ऑल्सो बी टेकन। नाउ इसमें नोट नंबर वन ये, अच्छा कार्बन क्या हो रहे हैं, अगर एसिड में जो इतने कार्बन थे ना, है ना, उसका लगभग डबल हो रहा है, मतलब आर इधर से आर वाले कार्बन तो आ ही गए, इधर आर वाले आ गए और एक कार्बन नहीं है, टोटल आर वाले प्लस एक बीच में सी ओ, कार्बन लगभग डबल हो रहा है, एक मतलब एक कम कर दो उससे डबल हो रहा है, और जो कम किया वो कहाँ निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो नोट नंबर टू लिखें, above reaction is equally applicable, this reaction I'm talking about, above reaction is equally applicable in aromatic also,
अबव रिएक्शन इज इक्वली एप्लीकेबल इन एरोमेटिक ऑल्सो, मतलब ये ऐसे अगर मैं एरोमेटिक ले लिया ऐसे C6H5 एरोमेटिक है CO O टू द होल ट्वाइस CA, इसको हीट कर दिया बच्चों तो भी वही होगा, इसके साथ भी वैसे ही कंपाउंड बनेगा C6H5 CO C6H5 राइट और प्लस CaCO3। ये रिएक्शन एरोमेटिक्स में भी इक्वली अप्लीकेबल है, जैसे एरोमेटिक में भी वैसे ही होगी, सभी हुई है। आई थिंक हम कैमरे को थोड़ा सा राइट में मूव कर सकते हैं ये को समझने के लिए, देखिए हल्का सा राइट में। तो GMP6 जो आप देख रहे हैं मोटोवो 1 बेरियम स्ट्रोंशियम थोरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं और एरोमेटिक में भी अप्लीकेबल है। यहाँ एक चीज और आगे क्या, जैसे नहीं था याद करी गिरनार वो वुड्स रिएक्शन क्या थी, अगर R लोगे RCl है सोडियम इथर लिया है तो RR बनता है, लेकिन दो का मिक्सचर ले लें RCl और RCl का तो तीन प्रोडक्ट बनते हैं सोडियम इथर में, क्या एक R का अपना प्रोडक्ट, एक R डैश का अपना प्रोडक्ट, एक R का प्रोडक्ट R डैश के साथ, ऐसे ये तीन प्रोडक्ट बनते हैं। ये वुड्स रिएक्शन थी याद आ रही होगी, कुछ कुछ ऐसा ही यहां होने जा रहा है। कहते हैं आपने एक कैल्शियम सॉल्ट हीट किया तो बन गया, लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ कैल्शियम सॉल्ट दो कैल्शियम सॉल्ट एक साथ मिक्स कर दे, दो हैलाइड एक साथ रिएक्ट कराए, दो हैलाइड है यहाँ पे ना RCl RDH वुड्स रिएक्शन में से दो हैलाइड लेने पे तीन प्रोडक्ट बनते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे दो कैल्शियम सॉल्ट लेने पे तीन कीटोन बनेंगे। तो लिखिए नोट नंबर थ्री इफ इफ टू कैल्शियम सॉल्ट आर टेकन साइमल्टेनियसली, इफ टू कैल्शियम सॉल्ट आर टेकन साइमल्टेनियसली देन थ्री प्रोडक्ट विल फॉर्म, इफ टू कैल्शियम सॉल्ट आर टेकन साइमल्टेनियसली देन थ्री प्रोडक्ट विल फॉर्म। ठीक है, देन थ्री प्रोडक्ट विल फॉर्म कैसे, ऐसे मान लीजिए आपने लिया आर सी ओ टू द होल ट्वाइस सी ए, एक ले लिया आर डैश सी ओ टू द होल ट्वाइस सी ए, इन दोनों को एक साथ हीट कर दिया, दोनों के मिक्सचर को एक साथ हीट कर दिया, तो यहाँ पे एक साथ हीट करने पर जो तीन प्रोडक्ट, एक इसका प्रोडक्ट आर सी ओ इधर आ जाएगा आर डैश, एक आर डैश का अपना प्रोडक्ट आर सी आर डैश सी ओ और इधर सॉरी एक इसका अपना प्रोडक्ट एक आर डैश का अपना प्रोडक्ट आर सी ओ आर डैश, एक इनका आपस में क्रॉस प्रोडक्ट ऐसा वाला आर सी ओ और इस तरफ आर डैश, ये देखो ऐसा एक में दोनों तरफ आर है, एक में दोनों तरफ आर डैश, एक में आर डैश, ऐसे तीन प्रोडक्ट बन गया, देख रहे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गया। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब ऐसा वैसा होगा। ठीक है, दिख रहा होगा सब कुछ, तो बच्चों ये आपने देखा अगर दो सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया हीट किया तो ये तीन प्रोडक्ट बन गए, तीन एस कीटोन बन जाएंगे राइट। यहीं पे नोट नंबर 1, 2, 3 था, नोट नंबर 4 देखो, जो डाई एसिड होते हैं डाई एसिड, अगर ये आपने सॉल्ट लिया देखो ये ध्यान दीजिएगा ऐसा लिया आपने आर, जो मैकेनिज्म इस पर ध्यान दीजिए, इसको मैं कॉपी करता हूँ आर CO, RCO, देख रहे होंगे O- कैल्शियम सॉल्ट है साथ, हीट कर दिया क्या हो गया, बन गया RCO। देखो बच्चों यहां से CaCO3 निकाल देना है, ऐसे जो यहां पे हुआ तो वही काम उधर कर रहे हैं, CaCO3 निकाल देना है, और CaCO3 निकालने के बाद क्या करना है, ये निकल जाएगा, ये बन जाएगा R CO और ये R ऐसे अटैच हो गया, कुछ भी नया नहीं है इसमें ऐसे। लेकिन अगर इसको पीछे से अटैच करके रखते पहले से, मान लो यहां पे ऐसा था CH2 ऐसे कार्बन थे, ऐसे दो कार्बन यहां होते, दो कार्बन इसमें होते, मतलब और ये
दोनों पीछे से जुड़े होते हैं ऐसे साइक्लिक ऐसा होता, दोनों बैक साइड से जुड़े होते इस प्रकार से, तो जो प्रोडक्ट बनता उसमें भी रहता यही चीज रहती, दो कार्बन इसके, दो कार्बन इसके और ये बैक साइड से जुड़े हैं, तो इस प्रकार से अगर देखोगे तो देखिए ये साइक्लिक प्रोडक्ट बन सकता है। अगर डाई एसिड है, ये डाई एसिड रहा होगा, कितने कार्बन थे, तीन और तीन, तीन कार्बन था, ये छह कार्बन का डाई एसिड था, तो छह कार्बन का डाई एसिड था, दिख रहा है डाई एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई एसिड, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई एसिड, यानी एक ही डाई एसिड का मतलब एक ही में दो सीओएच ग्रुप है, उसको हीट किया तो साइक्लिक कीटोन बन जाएगी, साइक्लिक कीटोन बना, देखें सो इतना एक बार देख ले, मैं इसका फोटो लेता हूं, तो बच्चों कैल्शियम सॉल्ट को हीट करिए ये बनता है, राइट, ऐसे ही ये CaCO3 निकल जाएगा, CO कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट और प्रेसिपिटेट का बनना रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव करता है, ठीक है। फिर मैंने बताया बेरियम स्ट्रोंशियम थोरियम सॉल्ट भी ले सकते हैं, एरोमेटिक में भी इक्वली एप्लीकेबल है, दो सॉल्ट लेंगे तीन कीटोन बनेंगे, है ना, दो सॉल्ट लेंगे तीन कीटोन बनेंगे, और यहां देखिए जरा अगर साइक्लिक, अगर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई एसिड ले लिया है तो साइक्लिक कीटोन बनेगा, नोट नंबर 4 तक आप नोट कर चुके होंगे, मैं कैमरा फिर से रोटेट कर रहा हूं इस साइड में, नोट नंबर 5 लिखने के लिए, अब देखिए बच्चों अगर मान लो कैल्शियम सॉल्ट नहीं है, अगर आपके पास कैल्शियम सॉल्ट नहीं है तो क्या करेंगे आप, कैल्शियम सॉल्ट नहीं है तो कैसे कैसे मैनेज करना है, अगर कैल्शियम सॉल्ट नहीं है तो नोट नंबर 4-5 पे आते हैं, हम क्या करेंगे एसिड ले लेंगे, एसिड और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एसिड और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड दोनों बेस हैं, अरे एसिड बेस रिएक्ट करके ऑन द स्पॉट कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे और कैल्शियम सॉल्ट फिर ऐसे रिएक्ट करेगा, तो अगर कैल्शियम सॉल्ट नहीं दिया है तो ऑन द स्पॉट हम कैल्शियम सॉल्ट बना सकते हैं, तो नोट नंबर 5 लिखिए, इफ इफ कैल्शियम सॉल्ट इज नॉट गिवन देन, इफ कैल्शियम सॉल्ट इज नॉट गिवन देन then acid can be taken along with base followed by heating, then acid can be taken along with base followed by heating, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लो, आप कैल्शियम ऑक्साइड ले लो, दोनों बेस हैं, दोनों पहले इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाएंगे और फिर कैल्शियम सॉल्ट में सोच लो इसकी ई रिएक्शन करके पहले ऐसा सॉल्ट बनेगा, फिर सॉल्ट ऐसे ही टूटेगा, बनेगा ही RCOR और प्लस CaCO, ठीक है। तो आप पहले क्या लिखोगे, पहले आप लिखोगे ये देखो RCOO OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा या कैल्शियम ऑक्साइड दोनों से रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि ये भी पानी में जाने का इसी फॉर्म में चला जाता है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा, पहले बनाएगा RCO टू द होल ट्वाइस CA, फिर इसको हीट करने में बना देगा वही RCOR, ये देखिए, ठीक है बच्चों। तो कई बार ऐसा होगा कि नहीं सर कैल्शियम सॉल्ट नहीं दिया, कोई बात नहीं कैल्शियम सॉल्ट नहीं दिया तो हमको एसिड बेस दिया होगा, एसिड बेस से सॉल्व कर देंगे, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा, ठीक है। नोट करिए इसको एक बार, नोट नंबर 5 को बच्चों,
थोड़ा आगे कर दीजिए ना सर, ब्लर है थोड़ा। देख रहा हूँ ब्लर हो गया, मैं भी देख रहा हूँ। थोड़ा लेफ्ट सर। ठीक है ना? हाँ सर। चलिए आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बच्चों, जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि अगर हम कैल्शियम सॉल्ट लेते हैं तो वेलिन को डायरेक्ट रिएक्शन होगी, कैल्शियम सॉल्ट नहीं लेते हैं तो एसिड और बेस को लेकर सॉल्ट बनेगा, पहले सॉल्ट वैसे रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन समाप्त होता है। GMP6 थोड़ा डिफरेंट था। हाँ बच्चों समझ गए सभी लोग? अच्छा, GMP6 समाप्त हो गया, हम लोग GMP7 की तरफ जाएंगे। GMP7 में क्या होगा बच्चों, जो कैल्शियम सॉल्ट लिया ना, हीट किया तो बना, नहीं तो कैल्शियम सॉल्ट संग बेस ले लिया, एसिड संग बेस ले लिया, फिर वही काम हुआ। लेकिन हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, खाली एसिड बिना बेस लिए, बिना बेस लिए सिर्फ कैटलिस्ट लोगे, बेस नहीं लेंगे, सिर्फ एसिड लेंगे और साथ में कैटलिस्ट लेंगे, और वो कैटलिस्ट ऐसा होगा कि वो क्या करेगा, यही सिमिलर टाइप का प्रोडक्ट देगा। वहां भी कैटलिस्ट की मतलब बिना सॉल्ट नहीं बनाएंगे, सिर्फ एसिड लो साथ में कैटलिस्ट लो, कैटलिस्ट के संग हीट करो 300 डिग्री के आसपास, जैसे ही कैटलिस्ट संग हीट करोगे अपने आप प्रोडक्ट ऐसा ही बनेगा, इसी टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, यही कीटोन बनेगा। ठीक है ना, तो लिखिए GMP7 बच्चों, लिखिए GMP7 यहां लिखिए बाय कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों जैसे ही आपको कहीं भी देखने में प्रॉब्लम बताइए, कैमरा आगे कर देंगे, ज्यादा नेटवर्क में कुछ भी हो सकता है, शुरू में सही था, हो सकता है धीरे धीरे खराब हो, तो जैसे ही समस्या हो बताइए, कैमरा आगे कर देंगे। ठीक है, हेलो। हाँ बच्चों, तो मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर रहा हूँ GMP7 बताने के लिए। देखिए ऐसे यहाँ से तो स्पेस है ना, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये और आगे कर दें। बोलो इंसानों, जहां दिखे नहीं तो बताना जरूर है। देखो जरा क्या होता है ना कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं RCOH और लेते हैं कैटलिस्ट मैग्नीज एट 300 डिग्री सेल्सियस। बच्चों मैग्नीज कैटलिस्ट कैटालिटिक, इसको बोलते हैं कैटालिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। मैग्नीज एक कैटलिस्ट का काम करेगा और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या होगा, यहां से बिल्कुल दो मॉलिक्यूल वैसे ही होंगे, प्रोडक्ट वही मिलेगा RCOR लेकिन प्लस वाटर और प्लस CO2। मतलब यहां पे सोच लिया ऐसा कुछ होगा कि पहले ये दो मॉलिक्यूल हैं
है ना, ये दो हैं। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पहले एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ऐसे पहले एक वाटर निकल गया, जैसे ही वाटर निकलेगा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर एक CO2 निकलेगा। कौन सा CO2? ये वाला CO2, ये देखो ऐसे, फिर माइनस CO2, और फिर जैसे ये वाटर CO2 निकला, ये RCO R के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ कंपाउंड बन जाएगा। तो ये आप समझ लें कि कंपाउंड ये दोनों जो बन रहे हैं साथ में, लेकिन ये इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, तो हम उस कंपाउंड वही है उसी टाइप से, इसको बोलते हैं कैटलिटिक डिकार्बोक्सिलेशन। इसमें हम सॉल्ट को हीट नहीं करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं बच्चों, उसी टाइप का है, ज्यादा तीन पांच नहीं करेंगे, ऐसे लिख लीजिए। बच्चों एक कैटलिस्ट मैग्नीज का ऑक्साइड होता है, जो MnO ले लो, मैंने गलती से Mn लिखा दिया, MnO कर दो, मैग्नीज ऑक्साइड। कुछ और भी ऑक्साइड ले सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम का ऑक्साइड, थोरियम का ऑक्साइड, ये सभी ले जा सकते हैं, MnO कैटलिस्ट होगा, ठीक है, MnO कर दो, नॉट मैग्नीज, MnO। और नीचे नोट लिखेंगे इसके बाद कि हम MnO के साथ और भी कैटलिस्ट ले सकते हैं, इसके बाद नोट नंबर ये GMP7 का एक नोट लिखेंगे हम लोग। नोट नंबर वन, लिखे इन प्लेस ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड वी कैन ऑल्सो टेक TH2 AL2O3 इन प्लेस ऑफ MnO, मतलब कैमरा ऊपर करता बच्चों, इन प्लेस ऑफ MnO वी कैन ऑल्सो टेक TH2 AL2O3 और टाइटेनियम TiO2 और TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड TiO, ठीक है, वी कैन ऑल्सो टेक ऑल दिस, ठीक है, ये सबके सब भी वैसे ही प्रोडक्ट देंगे जैसे वहां दिया हुआ है, और यहां भी इस रिएक्शन में ध्यान रखना बच्चों, ये जो हम ले रहे हैं ये एसिड ले रहे हैं, तो एसिड की वेपर्स, एसिड को वेपराइज करके कैटलिस्ट के ऊपर से पास करते हैं। तो लिखिए इन दिस रिएक्शन, नोट नंबर टू, इन दिस रिएक्शन वेपर्स ऑफ एसिड आर पास्ड, वेपर्स ऑफ एसिड, ये एसिड की वेपर बना के देख लीजिए, जरा ये एसिड जो है ना, ये एसिड जो लिया ना, इसकी वेपर, इन दिस रिएक्शन वेपर्स ऑफ एसिड आर पास्ड ओवर कैटलिस्ट,
एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर ठीक है, हाई टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर 300 से 400 लिखना, 300 से 400 या 300 है किसी कैटलिस्ट संग 315 हो किसी 300 से 400, हाई टेम्परेचर ब्रैकेट में 300 से 400 ब्रैकेट क्लोज कर दें लिख के, फिर वही कहानी क्या, अगर दो एसिड लोगे तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे, नोट नंबर थ्री, इफ टू एसिड्स आर टेकन देन थ्री प्रोडक्ट विल फॉर्म, आपने MnO के संग 300 पे हिट कर दिया तो एक बनेगा R CO R, एक बनेगा R डैश CO R डैश, तो एक बनेगा R CO R डैश, ऐसे तीन प्रोडक्ट बनेंगे। देखो बच्चों ये सब कीटोन है, ये एल्डिहाइड तभी बनेगा, यहाँ एल्डिहाइड तभी बनेगा जब दोनों एसिड में से एक एसिड फॉर्मिक एसिड हो, मतलब R डैश या R किसी की जगह H आ जाए, तो R या R डैश किसी की जगह एक H आएगा तब ना बनेगा, तो एल्डिहाइड ये ऑल आर कीटोन, लेकिन एल्डिहाइड हो सकते हैं बशर्ते दो एसिड में से कोई एक एसिड क्या हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, मेंशन करें ये सब कीटोन है, ऑल आर कीटोन, तो क्या एल्डिहाइड नहीं बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, इफ बॉन्ड ऑफ द एसिड इज फॉर्मिक एसिड देन एल्डिहाइड इज फॉर्म, जरूर लिखिएगा, इफ वन ऑफ द एसिड इज फॉर्मिक एसिड देन एल्डिहाइड विल फॉर्म, सी एच ओ एल्डिहाइड विल फॉर्म, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जीएमपी 7, देख लो बच्चों जीएमपी 7 का मैं फोटो ले रहा हूं, फिर जीएमपी 8 की तरफ चलूंगा, और जीएमपी 8 में कुछ ऐसा आएगा जो आपको लग रही है ये तो पढ़ा हुआ है, जीएमपी 8 में जो भी आएगा आपको लगेगा ये तो अभी पढ़ा है, देखिए ना लगे तो बताइएगा, कोई भी आवाज उठा सकता है, जीएमपी 8 एक बीच में पढ़ा हुआ ले आते हैं, फ्रॉम ग्रेनार्ड रीजन, जीएमपी 8 लिखिए फ्रॉम ग्रेनार्ड रीजन, ग्रेनार्ड रीजन से एल्डिहाइड कीटोन हम बना सकते हैं, अरे याद करिए ना ग्रेनार्ड रीजन से पहले जब रिएक्शन करते थे, ग्रेनार्ड रीजन की रिएक्शन किससे करते थे, एसिड डेरिवेटिव से विदाउट एसिडिक एच, जब ग्रेनार्ड रीजन रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव से करते थे तो पहले एल्डिहाइड कीटोन बनता था, अगर ग्रेनार्ड रीजन के दो मोल होते तो फिर वो रिएक्शन अल्कोहल तक जाती थी, ग्रेनार्ड रीजन में पढ़ाया था ये, तो ये रिएक्शन जीएमपी 8 ग्रेनार्ड रीजन का एक रिकॉल है, चलिए ग्रेनार्ड रीजन रिकॉल कर लेते जीएमपी 8 में, फ्रॉम ग्रेनार्ड रीजन ग्रेग नार्ड रिएजेंट, ठीक है, ठीक है ना, तो बच्चों ग्रेनार्ड रिएजेंट से क्या करिए कि अगर आप एसिड डेरिवेटिव लेते हैं आर सी ओ एल जी, ये एसिड डेरिवेटिव, इसकी रिएक्शन आप ग्रेनार्ड रिएजेंट से करते हो आर डैश एम जी एक्स से, तो एडिशन एलिमिनेशन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड बनता है, कार्बोनिल कंपाउंड लिखो ज्यादा अच्छा है, ये रिएक्शन आपको ग्रेनार्ड रीजन जो कि पढ़ाया था ये अल्काहाइड के साथ तो बताया था, इसके स्टेप्स जस्ट टाइम पास के लिए बता रहे हैं, उसे बताने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि आप सभी जानते हैं डिस्कस किया गया है, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म है, ये लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप में एसिडिक एच नहीं होना, अगर एसिडिक एच होगा तो पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, तो आर डैश एम जी एक्स, बच्चों ये पहले ऐड करें आर माइनस है ना, आर माइनस एम जी प्लस आर माइनस स्टैक करेगा ऐसे ओपन होगा, इट विल लाइक दिस आर ओ माइनस एल जी और आर डैश आपने यहां जोड़ दिया
एम जी एक्स इधर आ गया, फिर क्या होगा, इंटरनल अटैक करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप ये एल जी को निकाल देगा, और अब देखना कीटोन हमारे सामने आ जाएगा, आर ओ यहाँ पे आर डैश, यहाँ बॉन्ड क्रिएट हो गया, बाकी एम जी एक्स निकलेगा, साथ में एल जी निकलेगा, एम जी एक्स निकलेगा और साथ में ये एल जी, तो लिविंग ग्रुप तो निकलेगा ही निकलेगा, ऐसा कीटोन बन गया ना। ये रिएक्शन तो आप जानते हैं, ये इसके लिए हम चाहते तो मतलब डिटेल और डिटेल हमने कराए बच्चों इस पर, फॉर डिटेल रिफर गिरनार्ड रिएजेंट, रिएक्शन ऑफ गिरनार्ड रिएजेंट एसिड डेरिवेटिव रिफर करिए, वहां अच्छे से कराया है। चलिए बच्चों ये जीएमपी पुरानी था, आज हमें लगता सारे प्रिपरेशन खत्म हो जाएंगे क्या, इतना आसान है ये तो यार, बहुत कुछ तो पूरा नहीं है, लेकिन इसकी रिएक्शंस बेटा बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन में 5 क्लास लग सकते हैं, 5 से 6 क्लास लग सकते हैं रिएक्शंस में, आज खाली प्रिपरेशन होगा, रिएक्शन में 5 से 6 क्लास तक जा सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट होंगे इसके, फिर ठीक है, तो जीएमपी 8 खत्म करते हैं बच्चों, हम लोग जीएमपी 9 स्टार्ट करते हैं, ठीक है, लिखिए जीएमपी 9, इसको फोटो खींच के छोड़ते हैं क्योंकि थोड़ा ब्लर हो रहा है, इसलिए मैंने कैमरा काफी पास कर दिया, ठीक है, हाँ बच्चों, तो जीएमपी 8, किसी को जीएमपी 8 तक कोई समस्या, कैसी भी समस्या जीएमपी 8 तक किसी को, नहीं 9 नंबर शुरू किया जाए, 9 नंबर में हम जो जीएमपी बताने जा रहे हैं उसे सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, दो इंपॉर्टेंट जीएमपी है दोनों सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, तो जीएमपी 9 लिखिए, जीएमपी 9 में पार्ट ए और पार्ट बी होगा, दोनों नेम रिएक्शन होंगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शन नेम रिएक्शन दोनों होंगे, लिखिए जीएमपी 9, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, बच्चों इसमें दो रिएक्शन होंगे, 9 का ए और 9 का बी, 9 का ए होगा रोजेनबाउम रिएक्शन,
ROSENMUND रोजेनबुंड रिएक्शन, रिडक्शन एक्चुअली। एक होता है अपन जो बात करते हैं जो SNCl2 के साथ होता है, ठीक है। तो अच्छा रोजेनबुंड ये दोनों दोनों के दोनों रिएक्शन भी हैं, दोनों के दोनों रिडक्शन भी बोल सकते हैं, रोजेनबुंड रिडक्शन या स्टीफन रिडक्शन, दोनों रिडक्शन भी बोल सकते हैं, स्टीफन रिडक्शन। बच्चों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम लिख लेना, रोजेनबुंड और स्टीफन, रोजेनबुंड रिडक्शन और स्टीफन रिडक्शन, दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब रोजेनबुंड रिडक्शन या स्टीफन रिडक्शन होता कैसे है और इस पर जरा बात करते हैं। दोनों में से दोनों रिएक्शन ओनली फॉर एल्डिहाइड, इनसे कीटोन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनेगा, ओनली फॉर CHO प्रिपरेशन, एल्डिहाइड प्रिपरेशन, नो कीटोन, राइट। चलिए पहले देखते हैं रोजेनबुंड रिडक्शन, 9 का ए रोजेनबुंड रिडक्शन। देखो बच्चों क्या था ना, रिएक्शन क्या है समझते हैं। आपको याद होगा अगर हम अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं CH2, अभी आपने अब तक पढ़ा है अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते हैं तो पहले एल्डिहाइड बनता है, अगर रिएक्शन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजेशन है तो फर्दर एसिड में चला जाएगा, ये हम जानते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस ये है। अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है, कुछ रिएजेंट अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड पर रोक देते हैं लेकिन किसको एसिड तक लेके जाते हैं, वो कौन कौन से हैं कुछ आपको लिखाए हुए हैं। अच्छा इसमें देखो जरा, लेकिन आपने देखा होगा आपने सुना होगा कि इसको रिड्यूस कर दें, LiLH को इसको रिड्यूस करता है, इसको रिड्यूस कर ही दें, आते हैं रिड्यूस कर दो, इवन एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करो LiLH को तो यहीं आते हैं। तो क्या यार है क्या, आप अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो एल्डिहाइड बनता है उससे फिर एसिड बनता है, लेकिन आप रिड्यूस चाहे इसको करो तो भी अल्कोहल बनता है, चाहे इसको रिड्यूस करो तो भी अल्कोहल बनता है, रिड्यूस किसी को भी करो। रिएजेंट मैंने LiLH को लिखा दिया, आप दूसरे रिएजेंट भी लिख सकते हो, वो एसिड को भी यहाँ के लिए लेके जाते हैं और एल्डिहाइड को भी यहाँ लेके जाते हैं, मतलब बनता ये ही है, समझ रहे हैं। यानी एसिड को रिड्यूस करोगे तो भी क्या बनेगा, सीधे अल्कोहल ही बनेगा, ये एल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो कहा क्या कोई तरीका है, कोई ऐसा तरीका है जिससे इसको रिड्यूस करें, यहाँ पे रिएक्शन रुक जाए यहाँ नहीं जाए। तो कहा रोजेनबुंड ने इसी को पॉसिबल किया, इसी चीज को पॉसिबल कराया अपने मेथड से, रिएक्शन इसको रिड्यूस करो एसिड को रिड्यूस करो तो रिएक्शन अल्कोहल पे नहीं जाए एल्डिहाइड पे रुक जाए, और उसी को रोजेनबुंड रिडक्शन बोलते हैं, उसी ने इसको किया। तो इसको अगर हम यहां से अगर हम चाहते हैं इसको यहां से यहां लाएं तो क्या करें, क्वेश्चन मार्क था क्या करें, तो इसी का जवाब दिया क्वेश्चन मार्क का, रोजेनबुंड रिडक्शन में। तो अब हम रिएक्शन, तो जस्ट समझाने के लिए था कहानी टाइप, अब हम इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको रिएक्शन समझाएंगे कि होती क्या है। रोजेनबुंड रिडक्शन पे चलते हैं, देखिए क्या होता है बच्चों इसमें, इसमें हम यहां से यहां आने वाले हैं, यहां से यहां कैसे आएंगे देखिए, सेकंड पॉइंट में आइए, रिएक्शन रिएक्शन है, आप एसिड क्लोराइड ले लो, एसिड क्लोराइड RCOCl, एसिड क्लोराइड ही लेना है, और आप जानते हैं अगर इसकी रिएक्शन आप PCl5 से कर दें, PCl5 काम होता है इस OH को Cl में कन्वर्ट करना, चाहे अल्कोहल का हो चाहे एसिड का हो, अगर हम इसको पहले PCl5 सिलेक्ट करा के इसको एसिड क्लोराइड में चेंज करें फिर ये रिएक्शन, एसिड क्लोराइड लोगे इसकी, इसको हाइड्रोजनेट करोगे इन प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजनेट किया किसमें, पैलेडियम के प्रेजेंस में। बच्चों अगर पैलेडियम लोगे सिर्फ तो ये रिएक्शन OH को यहीं तक पहुंचा देगा, अगर आप लोगे अगर सिर्फ पैलेडियम लोगे तो रिएक्शन सीधे सीधे अल्कोहल बनेगा, क्योंकि आपको याद होगा हाइड्रोजन इन कैटलिस्ट भी क्या करते हैं वहीं लेके जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जैसे लेनलेस कैटलिस्ट था वैसे कैटलिस्ट देते हैं BaSO4, BaSO4 क्या करेगा सर, BaSO4 जो ही पॉइजन है इसकी रिएक्टिविटी कम कर देगा, और रिएक्टिविटी कम कर देगा तो रिड्यूस होगा लेकिन एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, सीधे सीधे RCHO बन जाएगा, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगी, एल्डिहाइड बनेगा, ये क्या है, ये पॉइजन है, कैटलिस्ट पॉइजन, कैटलिस्ट पॉइजन, इससे क्या होगा रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रुकेगी, रिएक्शन एसिड तक नहीं जाएगी, कैटलिस्ट पॉइजन यूज किया है, रिएक्शन एल्डिहाइड पे रुकेगी, रिएक्शन एसिड तक नहीं जाएगी। ओके तो देख लो बच्चों
हमने इस रिएक्शन को, रोजनमुंड का मेन काम क्या है, मेन काम रोजनमुंड का ये है कि जो हम सोचते थे अल्कोहल को ऑक्सीजन करो तो एल्डिहाइड, इसको करो तो एसिड, एल्डिहाइड किसी को रिड्यूस करो अल्कोहल बनता था, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इसको रिड्यूस करें तो यहाँ हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। ये सीधे से रिएक्शन नहीं आती थी। हाँ, एक काम करें, अगर इसको एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करें, एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट करो, लेकिन BSO4 नहीं लोगे तो भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, सीधे सीधे अल्कोहल तक जाएगी। लेकिन हम चाहते रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुके, तो बच्चों हमें BSO4 लेना पड़ेगा। BSO4 एक कैटलिस्ट पॉइजन है जो रिएक्शन को एल्डिहाइड पर रोक देगा, एसिड तक नहीं जाने देगा। रिएक्शन एल्डिहाइड पर रुक जाएगी, एसिड तक नहीं जाएगी। रोजनमुंड रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। मैकेनिज्म नोट किया सभी ने इसका? चलिए मैकेनिज्म देखते हैं होता कैसे, रोजनमुंड रिएक्शन होता कैसे। मैकेनिज्म ये बगल में डिस्कस कर ले तो ऊपर क्या जाएंगे, कैमरा फिर ऊपर करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट मैकेनिज्म, देखो मैकेनिज्म कैसी होती। देखिए बच्चों, मैकेनिज्म में हम लोग ऐसा करते हैं कुछ कि RCOCl सबसे पहले क्या करता है, पैलेडियम जो है, ये पैलेडियम है, पहले हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन इससे अटैच हो जाता है ऐसे, पैलेडियम संग पहले हाइड्रोजन अटैच होगा, ये लाइक दिस एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन पैलेडियम सरफेस, पैलेडियम के सरफेस से हाइड्रोजन का एड्सॉर्प्शन हो गया। और अब क्या करेगा, अब ये हाइड्रोजन जो आया है, ये पहले तो ये स्टेप में ये हो गया, फिर अगले स्टेप में क्या है, जो एसिड क्लोराइड है RCOCl, बच्चों ये दोनों हाइड्रोजन इधर से एक साइड से आ जाएंगे ऐसे, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आएगा, दोनों हाइड्रोजन किस पे है, पैलेडियम के सरफेस पे एड्सॉर्ब, ये पैलेडियम। तो ऐसे केस में ध्यान दीजिएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड को तोड़िए, ऐसे जुड़ेगा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा RCOCl, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ गया। लेकिन जो हाइड्रोजन इधर जुड़ा है बच्चों, देखिए इधर ये न्यूक्लियोफाइल है, दो हाइड्रोजन जुड़ जरूर गए लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल की कारण भी अटैक करेगा, इसको लीव करा देगा, और आप देखेंगे इसको कुछ ऐसा बन जाएगा, ये आर सी एल तो निकल गया, इधर ये एच जुड़ा हुआ है और ये ओ है, ये एच इधर जुड़ा हुआ है, यहाँ पे बॉन्ड आ चुका है ना, यहाँ पे ऑलरेडी एच है और इस पर प्लस चार्ज आ गया। बच्चों बाद में इसका डी प्रोटीनेशन कर देना, एच प्लस आइन निकाल देना इससे, देखिए एल्डिहाइड बन गया RCHO। ये रोजनमुंड रिएक्शन है, एक बार नोट कर ले, पूरा है, पहले पैलेडियम जो है वो हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब करेगा, फिर वो एक साइड से उस पर अटैक कर देगा। ओके बच्चों, फोटो तो मैंने ले लिया, इसको हटा देते, ठीक है।
चलिए तो बच्चों आप लोग देख रहे हैं, हम 9 जीएमपी 9 देख रहे थे, पार्ट ए रोजन मून रिडक्शन हो चुका है। पार्ट ए में था रोजन मून रिडक्शन जो कि समाप्त हो गया। ठीक है, हमको देखना है स्टीफंस रिडक्शन। स्टीफंस रिडक्शन कैसे होता है, आइए इस पे जरा बात करते हैं। ठीक है, इसमें भी होगा कुछ कुछ वैसे ही। स्टीफंस रिडक्शन एक बार चेक करते हैं। तो 9 का बी लिख लीजिए, स्टीफंस रिडक्शन। रोजनमंड और स्टीफन दोनों के दोनों एल्डिहाइड बनाने के काम आते हैं, इनसे कीटोन नहीं बनता। तो 9 का बी स्टीफंस रिडक्शन। देखें 9 का बी स्टीफंस, स्टीफंस रिडक्शन नाम है, इंपॉर्टेंट है स्टीफंस रिडक्शन। इसमें अल्काइल साइनाइड लेते हैं, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन अल्काइल साइनाइड। इसकी रिएक्शन कराते हैं दो तरीके से होती है। पहले स्टेप में होती है SnCl2 in HCl। बच्चों ये SnCl2 खुद SnCl4 में ऑक्सीडाइज होकर प्रोड्यूस करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस और ये बन जाएगा RCHO, एल्डिहाइड, RCHO, एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे बनता है ये मैकेनिज्म जानते हैं, लेकिन हाँ अल्काइल साइनाइड से एल्डिहाइड बनाने काम आती है। पहले SnCl2 से रिएक्शन होती है, ध्यान रखिएगा ये रिड्यूस होगा तो ये SnCl2 SnCl4 में ऑक्सीडाइज होगा, Sn ऑक्सीडाइज होगा और ये रिड्यूस होगा। मैकेनिज्म क्या है आइए जानते हैं, पहले इसको नोट कर लें फिर इसकी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। चलिए होता कैसे आई इसके मैकेनिज्म जानते हैं बच्चों। सबसे पहले RCN, जो RCN हमारे पास है RC ट्रिपल बॉन्ड N, हमको पता है N के पास लोन पेयर है। तो बच्चों जो HCl है, HCl ये HCl, इसका H प्लस आयन पहले इसके लोन पेयर पे जाएगा। देखिए इसके लोन सॉरी R C ट्रिपल बॉन्ड N, एक क्या चाहिए यहां पे प्लस चार्ज आ गया। देखिए ऐसा दिख रही है, यहां ये प्लस चार्ज आ गया इमीन। और अब क्या होता है, जो SN है टिन, SN प्लस टू स्टेट पे था, SN प्लस फोर स्टेट में जाता है और दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। बच्चों यहां दो काम होंगे, पहला काम ये यहां से यहां जाएगा तो यहां माइनस, यहां प्लस चार्ज आएगा, ये जिस पे प्लस चार्ज आएगा इस प्लस वाले को दोनों इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। पहला एक मिलेगा तो न्यूट्रल होगा, दूसरा मिलेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी को मिलेंगे तो ऐसा हो जाएगा R C, दो इलेक्ट्रॉन मिले, नेगेटिव चार्ज आ गया है, डबल बॉन्ड R C डबल बॉन्ड N और H तो था ही, लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन आए हैं बारी बारी से, दो इलेक्ट्रॉन आए इसलिए नेगेटिव चार्ज। इसके शिफ्ट होने से यहां माइनस यहां प्लस आए, इस प्लस को पहला इलेक्ट्रॉन मिलेगा न्यूट्रल, दूसरा इलेक्ट्रॉन मिलेगा नेगेटिव चार्ज ले आ गई, कार्बन आयन बन गया। और इसके संग वही होगा जो HCl है ना, एक बार HCl आएगा यहां पे, वो एक बार HCl का H+ आयन यहां पहुंच जाएगा, HCl है इसका H+ आयन यहां जोड़ दीजिएगा तो आपको लगेगा ये बन जाएगा R C डबल बॉन्ड N H इधर और Cl इधर, राइट, ऐसा H इधर, इमीन बन गया, IMINE इमीन, राइट। देख लीजिए थोड़ा सा इधर करता हूँ, इमीन बन गया, इमीन, इमीन सिस्टम है ये। ठीक है, NH2 होता अमीन तो
डबल बॉन्ड NH होता है इमीन, तो इमीन बना यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है, और जूम चालू करके देखें, सबको विजिबल है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? okay. जूम चालू करके देख लेते कैसा आ रहा। ठीक ठाक है, बुरा तो नहीं, बहुत ज्यादा बहुत सुपर भी नहीं है। चले बच्चों, ये इमीन बन गया है, और अब इमीन की हाइड्रोलिसिस होगी। इमीन की हाइड्रोलिसिस होगी, कैसे हो गया ये जानते हैं, इस इमीन की हाइड्रोलिसिस कैसे होगी, तो कहते हैं अब हमने हाइड्रोलिसिस दूसरा स्टेप है, पहले स्टेप में खाली ये, पहले स्टेप में खाली इमीन बनेगा, फर्स्ट स्टेप क्या रखना, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस जो आप कराने जा रहे हो, सेकेंड स्टेप यहां से शुरू होगा हाइड्रोलिसिस से, सेकेंड स्टेप हाइड्रोलिसिस का स्टेप है, मैं यहीं से शुरू कर दूंगा इमीन से ही, यहीं से सेकेंड स्टेप शुरू हो जाएगा। क्या है इसमें, जैसे ही आप H प्लस साइन दोगे, HCl का H प्लस साइन, हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप है ये, स्टेप टू शुरू हो रहा है, स्टेप टू शुरू हो गया यहां से, ठीक है ना। ये जाके इसके लोन पेयर पर अटैक करेगा, ये इट विल बी लाइक दिस, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच टू प्लस हो गया यहां पे। फिर इसके बाद ये दोनों, ये यहां शिफ्ट होगा, यहां माइनस यहां प्लस आएगा, इस प्लस पे जो है ना वाटर अटैक कर देगा, प्लस पे जो है वाटर अटैक करेगा, एच टू जो है लोन पेयर है जिसके पास ये, तो इट विल बी लाइक दिस, आर सी एच एन एच टू, और यहां पे इस ओ पे वाटर अटैक करेगा अपने लोन पेयर से, ओ यहां प्लस चार्ज हो जाएगा। बच्चों ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होता है तो ऑब्वियसली इसका एच प्लस साइन निकल के यहां चला जाएगा, इसको एन एच थ्री प्लस में कन्वर्ट कर देगा, आर सी एन एच थ्री प्लस, एच तो थाई, और यहां पे ये लेके जाएगा तो यहां पे माइनस यहां प्लस चार्ज आएगा, अल्टीमेटली लगेगा यहां पे ये OH आ गया। देखो बच्चों ये जो थोड़ा सा कैमरा इधर घुमाते हैं, ध्यान दें, यहां देखिए सब लोग ना, इधर देखिए घुमा रहे हैं, ये जो बना है ना, ये अभी क्या है बच्चों, ये अमोनिया का अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये न्यूक्लियोफाइली लिविंग ग्रुप एनजीपी टाइप होगा, ये यहां अटैक करेगा इस नाइट्रोजन अमोनिया को लीव करा देगा, माइनस एनएच3 अमोनिया लीव करेगा तो अमोनिया निकल जाएगा, अमोनिया न्यूट्रल मॉलिक्यूल करके निकलेगा यहां से, आर ये देखिए प्लस, और बाद में इस H+ साइन को यहां से रिलीज कर दीजिए, H+ को डीप्रोटीनेशन करा दीजिए, H+ को निकाल दीजिए, तो देखिए एल्डिहाइड बन गया RCH, यही तो चाहिए था हमको एल्डिहाइड। तो स्टीफन रिडक्शन का पूरा मैकेनिज्म आपके सामने है, पूरा बोर्ड नहीं दिख रहा, हल्का सा पीछे करके पूरा बोर्ड एक साथ दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, देखिए दूसरा स्टेप देखिए, खाली SNCl2 HCl यहां तक है, इमीन बन जाएगा, पहले स्टेप में केवल इमीन बनेगा, और हाइड्रोलिसिस का स्टेप इसे अगेन स्टेप स्टेप 2 आंसर होता हाइड्रोलिसिस से। बच्चों जो मैंने जीएमपी बताए हैं पुरानी रिएक्शन वाले, उनको एक बार अच्छे से रिकॉल कर लीजिएगा, ठीक है ना, पुराने रिएक्शन को पढ़ लीजिएगा, पुराने जीएमपीज हैं।
इसके बाद आएगा लास्ट जीएमपी बच्चों, आखिरी। क्या हटा दें इसको, रिमूव करें? यस सर। किसी को ऑब्जेक्शन नहीं ना इस पे? इसके बाद जीएमपी 10 है जो आपकी आखिरी जीएमपी है, बट उसमें बहुत सारे रिएक्शन आएंगे। देखिए जीएमपी 10 नहीं दिख रहा, थोड़ा ऊपर करते हैं और हल्का सा, अब आपको दिखना शुरू हो गया। जीएमपी 10 देखिए, ये होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। बच्चों इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या था, ओनली एल्डिहाइड, एरोमेटिक सब बन सकता है, लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं सिर्फ एरोमेटिक एल्डिहाइड बन सकते हैं, 10 का ए और 10 का बी। 10 का ए है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन, दूसरा इटार्ड, ई टी ए आर डी, इटार्ड रिएक्शन, और 10 का सी गाटेमन रिएक्शन। बच्चों ये रिएक्शन से इन सबसे खाली एरोमेटिक एल्डिहाइड बनता है, ओनली एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड नहीं बनता इन तीनों से, तीनों से एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा। तो पहले शुरू करेंगे ऑक्सीडेशन से, टॉलीन का ऑक्सीडेशन कैसे होगा, ठीक है? तो पहला लिखते हैं 10 का ए, इटार्ड और गाटेमन भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ, कहीं भी आपको देखने में प्रॉब्लम हो इमीडिएट बताइए, मैं कैमरा आगे कर दूंगा, भले ही मैं देखूं नहीं देखूं बोर्ड आपको देखना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है? ये तुरंत बताइए, नहीं आप बहुत देर बाद सफर करके बता रहे, इमीडिएट बताइए, कैमरा उसने आगे कर दिया जाए, भले बोर्ड थोड़ा सा देखे। चलिए भाई ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, देखिए बच्चों भाई ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन में हम ऐसा बोलते हैं कि ये टॉलिन है, एक तो इसका ऑक्सीडेशन हमने आपको बताया था कि इसमें बेंजाइलिक कार्बन पे एच है, एक तो इसका ऑक्सीडेशन हम KMnO4 से कर सकते हैं, KMnO4 और K2Cr27 और K2Cr27 इन एसिडिक मीडियम। बच्चों तो ये CO, यहाँ पे COH में कन्वर्ट होता है, बल्कि हमने आपको बताया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कि यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ पे टॉलिन में कुछ भी हो, यहाँ पे बेंजाइलिक कार्बन हो या बेंजाइलिक कार्बन है, इस पे हाइड्रोजन हो, एक हाइड्रोजन कम से कम चाहिए, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कीटोन, सब COH में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अच्छा हम चाहते हैं एल्डिहाइड में जाए, तो क्या करेंगे, हम एयर लेंगे, एयर, एयर ऑब्वियसली O2 होगा, साथ में लेंगे V2O5, वेनेडियम पेंटोक्साइड, और कैटलिस्ट है, और इससे हम 350 डिग्री पे हीट करेंगे बच्चों। अगर ये लेंगे एयर के संग हीट करेंगे वेनेडियम पेंटोक्साइड संग, तो यहाँ पे एल्डिहाइड आएगा, और एल्डिहाइड आएगा तो रिएक्शन ऐसे रुकेगी, ये देखिए देखिए रिएक्शन बेंजाइल एल्डिहाइड पे रुक जाएगी, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाएंगे। पहला तरीका ये है 10 का ए, 10 का ए पहले नोट करिए, फिर कुछ और बात करेंगे भाई। ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलीन,
चलिए दूसरा लिखिए बच्चों इटार्ड रिएक्शन, पहले का फोटो शायद हम खींच चुके हैं ना, 10A का, 10A का फोटो ले चुके हैं, चलिए 10B देखते हैं, 10A इतना ही है, याद रखिए कैटलिस्ट 10B देखेंगे बच्चों, इटार्ड रिएक्शन, 10 का भी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। इसमें टॉलिन को ही, इसमें भी टॉलिन ही लेते हैं, टॉलिन लेते हैं यहां भी, टॉलिन इसका ऑक्सीडेशन करते हैं क्रोमाइल क्लोराइड बच्चों, CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड होता है CrO2Cl2, स्पेसिफिक रिएजेंट है क्रोमाइल, CHROMYL क्रोमाइल क्लोराइड, ये क्या करेगा, ये सीधे इसको एक बेंजल डिहाइड में एक CHO को, मतलब सीधे CHO बनाएगा, क्रोमाइल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन यही है, टॉलिन की रिएक्शन क्रोमाइल क्लोराइड से करो बेंजल डिहाइड बन जाता है, यही हमारी रिएक्शन है, कौन सी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। चलिए तो ये हमने आपको बताया इटार्ड रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन कुछ वेरिएशन आई है बच्चों, उसके वेरिएशन लिख लेते हैं इटार्ड रिएक्शन के, ठीक है ना। सारे ये रिएक्शन बच्चों देखो, अब हम ना अगली क्लास में डाउट होगा, डाउट नहीं पूछोगे तो हम क्वेश्चन पूछ आपसे पूछेंगे, पढ़ के बैठना, कोई चिटिंग नहीं करेगा, वीडियो ऑन करेगा और सीधे सीधे बताएगा बिना चीटिंग के। याद रखिए एग्जाम में क्या भाई चांस, अगर आपने चीटिंग करके हमको बता भी दिया यहाँ पे तो एग्जाम में तो नहीं चीटिंग मिलने वाली ना, इसलिए कोशिश करिए याद कर लीजिए, जब मैं आपसे पूछूं आप कॉपी नहीं देखें, ठीक है, कैमरा ऑन रखें ताकि ईमानदारी आपकी बनी रहे, वरना आप अंदर से कम मन बेईमान हो जाएगा, पता नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए क्रोमाइल क्लोराइड सर OTP बता दीजिए ना सर, OTP बता दें, रुको जरा, हाँ OTP तो क्रिएट किया हुआ है, भूल गया OTP बताना, F बैच का OTP है 5131, F बैच का OTP है 5131, ठीक है, G बैच का OTP है 1292, G बैच का OTP है 1292, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट नंबर 1 बच्चों,
इसकी मैकेनिज्म क्या होती है? इसकी मैकेनिज्म तो नहीं पता है, वेल नोन नहीं, बट फिर भी ऐसा मानते हैं कि पहले तो टॉलिन होता है, टॉलिन ये क्रोमाइल क्लोराइड से रिएक्शन करता है सीआरओ टू सीएल टू से, तो ब्राउन एडक्ट, एडक्ट मतलब एडिशन प्रोडक्ट बनता है ऐसा, ये सी एस थ्री डॉट यहाँ पे ऐड हो गया होगा सीआरओ टू सीएल टू क्रोमाइल क्लोराइड, CrO2 दो मोल है Cl2, ये ब्राउन कलर का एडक्ट बनता है, ब्राउन एडक्ट, थोड़ी देर में अपने आप ये मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, और मॉइस्चर से रिएक्ट करके अपने आप क्या करता है, यहाँ पे CHO में कन्वर्ट हो जाता है। इसके एक्चुअल मैकेनिज्म नॉन नहीं, बट इतना जानू जानते हैं कि हाँ पहले टॉलिन ब्राउन एडक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ब्राउन एडक्ट सॉरी एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और एल्डिहाइड एरोमेटिक बनता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ही बनता है यहाँ पे, राइट। ठीक है, तो यहां भी लिखना चाहिए पहले स्टेप में ये, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस लिखना चाहिए, दूसरे स्टेप में हाइड्रोलिसिस, ये कॉम्प्लेक्स है जो बना हुआ है, और दूसरे स्टेप में ये हाइड्रो बेटा H2O है, यहां पे H2 नहीं, H2O लिखो, हाइड्रोजन नहीं है, वाटर है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसा देखा गया, ठीक है, टॉलिन तो रिएक्शन देता है, लेकिन अगर क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन टॉलिन के अलावा किसी और कंपाउंड से करें जिसमें यहाँ पे अदर देन सी एस थ्री को दूसरा ग्रुप लगा हो, सी एच को दूसरा ग्रुप लगा हो, तो नोट नंबर टू, अगर ऐसा लिखा है, ठीक है, अदर रिएक्शन ऑफ सिमिलर टाइप, अदर रिएक्शन ऑफ इटार्ड टाइप, इटार्ड टाइप क्या होगा इटार्ड टाइप में बच्चों, इस अदर रिएक्शन ऑफ इटार्ड टाइप में ध्यान दीजिए कुछ ऐसा होने जा रहा है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि इनकी रिएक्शन जब हम कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस हियर ऑल्सो, तो आखिरी वाला जो CH3 होता है, लास्ट CH3 बच्चों, लास्ट CH3 ये CHO में कन्वर्ट होगा, लास्ट वाला ऐसा, पहले वाले में ये प्रोडक्ट ऐसा होगा, ये देखो आखिरी वाला जो CH3 होता है, लास्ट CH3 बच्चों, आखिरी वाला CH3 CHO में कन्वर्ट होता, देख लो आखिरी वाला CH3 जो लास्ट में CH3 होता है, लास्ट का वो जाके CHO में कन्वर्ट हो रहा है, लास्ट का, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, बट रिएक्शन उसी टाइप की है, इसलिए बोला गया अदर रिएक्शन ऑफ इटार्ड टाइप, अदर रिएक्शन ऑफ इटार्ड टाइप, लेकिन ध्यान रखना क्रोमाइल क्लोराइड तभी लेते हैं जब रिंग में, जब बेंजीन रिंग में या तो मिथाइल ग्रुप लगाओ यहाँ जैसा, या तो मिथाइल लगाओ या फिर कोई अल्काइल ग्रुप लगाओ, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड रिंग नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मिथाइल ग्रुप हो, सिर्फ मिथाइल है इटार्ड में, सिर्फ मिथाइल के लिए है तभी, अगर इस मिथाइल के अलावा और भी कुछ ग्रुप लगे हैं ऑर्थोपैरा पे, और भी ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये नहीं लेते हैं, कुछ रेजेंट और लेते हैं, ध्यान रखना क्या मैंने बोला, ये तभी लेते हैं जब सिर्फ टॉलिन है, टॉलिन के अलावा और कोई कंपाउंड उसमें सीएससी के अलावा बाकी ग्रुप भी ऑर्थोपैरा पे लगे हैं, तो फिर हम क्रोमाइल क्लोराइड में लेंगे, कुछ और लेंगे, क्या लेंगे नोट में लिखाते हैं, नोट नंबर टू क्या, नोट नंबर थ्री, कल का पीछा करते कैमरा, जो लिखाना था बता दिया था, बड़ा बड़ा आपको दिख गया होगा यहाँ पे, नोट नंबर थ्री, नोट नंबर थ्री बोर्ड में इधर लिख देते हैं, जगह बहुत,
देखिए नोट नंबर थ्री, देखिए क्रोमाइल क्लोराइड इज टेकन ओनली व्हेन, क्रोमाइल क्लोराइड इज टेकन ओनली व्हेन only CH3 group is present in the ring, only CH3 group is present in the ring. If other groups are also present, then in place of chromyl chloride following reagent will be taken. In place of chromyl chloride, following reagent should be taken. पहले स्टेप लेते हैं क्रोमियम CrO3, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन क्रोमिक इन एसिटिक एनहाइड्राइड, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO टू द होल ट्राइस, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3CO टू द होल ट्वाइस, सॉरी CH3CO टू द होल ट्वाइस, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्रोमियम ऑक्साइड एसिटिक एनहाइड्राइड. इससे एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स ऐसा बनेगा, देखिए सी एस टू और जो दो वैलेंसी खाली होंगे दोनों में एसिटेट आयन आ जाएगा, ये ओ सी ओ सी एस थ्री यहाँ पे और ओ सी ओ सी एस थ्री यहाँ पे, ऐसा इसको बोलते हैं बेंजीडीन एसिटेट, बेंजीडीन एसिटेट. ये एक टाइप का जेम डाई एसिटेट है, जेम जेमिनल हैलाइड होता है, जेम डाई एसिटेट है ये. और बच्चों इसको हाइड्रोलाइज करोगे, जैसे इसको हाइड्रोलाइज करोगे, हाइड्रोलिसिस करोगे इसकी, जैसे इसकी आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आप देखना क्या होगा, वही मतलब एच ओ एच एच ओ एच यहां जोड़ देना तो मतलब एक कार्बन दो एच आ जाएंगे, एक कार्बन दो एच आ जाएंगे, ऐसा कुछ बन जाएगा सी एच और यहां भी दो एच यहां आ जाएंगे ऐसा, और साथ में दो एसिटिक एसिड निकल जाएंगे सी एस थ्री सी ओ ओ और इसके संग एच जुड़ के निकल जाए, एसिटिक एसिड निकलेंगे दो. बाद में देखो यहां से वाटर निकाल देना, ये तो अनस्टेबल है, वाटर निकाल दोगे ये बन जाएगी, ये प्रोडक्ट वही है बेंजल डिहाइड्रेट बनेगा. प्रोडक्ट वही बनेगा बेंजल डिहाइड्रेट, ठीक है. तो नोट कर लें और बच्चों आज हम यहीं स्टॉप करेंगे, एक रिएक्शन बच गई है, कौन सी, गाथियोमेन रिएक्शन, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें समय हमको आधे घंटे से ज्यादा लगेगा. इसलिए आज अगर डाउट क्लास नहीं होती शायद हम लोग उसको पूरा कंप्लीट कर लेते, बट फिर भी डाउट क्लास भी अपनी जगह जरूरी है, वो भी होनी चाहिए, ठीक है. तो इसको मैं फोटो खींच लेता हूँ गाथियोमेन इटार्ड रिएक्शन का, इटार्ड रिएक्शन में दो वेराइटी जो बताई उनके साथ में. सर थोड़ा पीछे करिए कि अगर खाली सी एस थ्री है, अगर खाली सी एस थ्री है तो क्या लेंगे, क्रोमाइल क्लोराइड, लेकिन सी एस थ्री के संग कुछ और भी लगा है तो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे, जिससे जेम डाई एसिटेट बनेगा, उसको हाइड्रोलाइज करोगे तो फिर वो बेंजल डिहाइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है. बच्चों तो आपने पूरी पूरी रिएक्शन है कितनी दिख रही मुझे नहीं पता, लेकिन पूरी आपको मैंने करा दी है. सिर्फ CH3 लगा तो इटार्ड में क्या करना है, और अगर CH3 के अलावा कोई ग्रुप लगा तो आखिरी वाला CH3 जो होगा उसमें वो CH में कन्वर्ट होगा, और अगर रिंग में अदर देन CH3 और भी ग्रुप लगे हैं तो क्रोमियम इन प्लेस ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड कर लेंगे, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड इन एसिटिक एनहाइड्राइड. ये भी ये स्पेशल रिएजेंट तब लेंगे जब अदर देन टोलिन कुछ और लगाओ, ठीक है. तो आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, अटेंडेंस जरूर बना दीजिएगा और प्रिपरेशन अभी तो क्वेश्चन मत करिए, अभी तो अल्कोहल सुनाइए कंप्लीट करिए. अगली क्लास से हम बताएंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के क्वेश्चन भी करना शुरू कर देना, हमको क्वेश्चन नंबर लिखाएंगे जैसे अल्कोहल में लिखाते थे, ताकि फटाफट ये चैप्टर भी कंप्लीट हो. ध्यान रखना अगले 23 तारीख को अपना फेस टेस्ट है, तब तक हमको पूरा करना, और अब इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे, अब जो भी बचा है वो बहुत फास्ट कंप्लीट होगा, और जो फास्ट इन द सेंस मतलब उसमें
चीजें आप फटाफट समझ में आती जाएंगी जो अगर अभी तक आप साथ बने रहे हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। Thank you.